बिस्मिल रहमान रहीम, वेलकम टू सबकी सोच। गुड मॉर्निंग, मैं हूं नम्रा तारिक। और कल इम्पोर्टेंट केस था जी, मखसूस नशस्तों से मुतालिक। उस केस की कल समाअत हुई और उसके बाद आज दोबारा उसकी समाअत होनी है। वैसे सेम टाइम 9:30 बजे का टाइम ही दिया गया। सो ये जो मखसूस नशस्तों का केस था, इस पर डिटेल में आज बात करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन के कागजात नामजदगी तलब कर लिए गए और आज तक के लिए समाअत को मुलतवी किया गया था। कागजात नामजदगी तलब किए गए हामिद रज़ा के, वो आज फिर पेश होंगे। उसके बाद क्या समाअत होती है, क्या कार्रवाई होती है, उस पर भी आपको अपडेट करते रहेंगे। उसके बाद ये एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आज, ऑपरेशन अजम इस्तेहकाम के हवाले से, जिसपे मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा कि ऑपरेशन अजम इस्तेहकाम नहीं, अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है। सो व्हाई डिड ही से दैट, उनको क्या ज़रूरत पड़ी कि इस ऑपरेशन को उन्होंने अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन का नाम दे दिया। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि शहबाज शरीफ सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं है बल्कि वो सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं। अब ये भी कहने की क्या ज़रूरत पड़ी, प्रोग्राम में आगे बढ़ के डिटेल में देखेंगे। उसके बाद बानी पीटीआई ने नाअहली के ख़िलाफ़ ज़ेर इल्तवा अपील की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और इस पर भी बात करेंगे। एक और अफसोसनाक खबर है हयाताबाद से, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर से, आई मीन टू से पेशावर से 19 एयर कंडीशनर्स जो है वो चोरी कर लिए गए। दो मुलाजिम बरतरफ इस पे हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही दूसरी जानब अगर बात की जाए, लाहौर तालीमी बोर्ड के जो मार्किंग सेंटर है वहाँ से इम्तहानी पर्चों का बंडल भी मुबैना तौर पर गायब हो गया। तो ये दोनों क्या मामलाते हैं, ये भी आज की हमारी स्टोरीज़ में शामिल हैं। और उसके साथ ही फिर बात करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त जानवरों के हवाले से खबरें मुतअद्दिद, अफसोसनाक बल्कि वो खबरें जो कि हमारे सामने आ रही है नारवा सलूक की। और जानेंगे प्रोग्राम में आज कि ये क्या स्टोरीज़ है और ये बार बार क्यों बढ़ती चली जा रही हैं आज की, बल्कि दो नई ऐसी स्टोरीज़ भी हमारे पास हैं, वो भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। फिर पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है, इसमें कोई शक नहीं है। क्लाइमेट चेंज क्या है, इस पर भी कुछ डिटेल में बात करेंगे। और फिर आपको मिलवाएंगे जी पाकिस्तान की पहली खातून जिन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी को उन्होंने सर किया है और एक आलमी रिकॉर्ड बनाया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, एक मुनफरिद कारनामा है उनका ये। तो इसलिए आपकी मुलाकात उनसे भी करवाएंगे। अभी अगर हम अपने सेगमेंट वन की जानब बढ़ें, मखसूस नशस्तों का जो केस है, सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन के कागजात नामजदगी तलब कर लिए गए हामिद रज़ा के, मैंने आपको पहले भी बताया। जो समाअत है वो 9:30 बजे आज फिर से स्टार्ट होनी है। और जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने SIC यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस में इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनको आज जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रज़ा के कागजात नामजदगी साथ लाने की हिदायत की है। और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने कल ये समाअत की थी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें मिलने से मुतालिक ये जो केस है ये ज़ेर अल्तवा है, ये इसकी समाअत चल रही है। दूसरी जानब हम बात करेंगे कुछ ऑपरेशन अजम इस्तेहकाम की भी, कि इसको अदम इस्तेहकाम कहा गया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बल्कि सिर्फ कुर्सी पर बैठा एक फ़िगर करार दिया है मौलाना फजलुर रहमान ने। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं वो, उन्होंने क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये सारी बातें कही हैं। और इस वक्त उन्होंने ये कहा कि मुल्क में रियासत की रिट ना होने के बराबर है। उनकी इस बात से मैं इतफ़ाक़ भी करती हूँ कि वाकई तौर पर रियासत की कोई रिट नहीं है और स्टेट को यहाँ पर अपनी रिट कायम करने की वैसे हर वक्त ही ज़रूरत होती है, लेकिन अभी बहुत ही बुरे हालात हैं। एनी हाउ मौलाना रहमान ने मज़ीद ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर बलोचिस्तान हो, जो मुसल्ला तंजीमें वो खुलेआम इलाकों को कंट्रोल कर रही हैं। ऑल दो गवर्नमेंट का ये पर्सपेक्टिव है कि ये जो तंजीमें ये सिर्फ KP में ऑपरेट कर रही हैं और KP गवर्नमेंट यानी कि जो गुज़िश्ता हुकूमतें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनका इसमें बहुत बड़ा किरदार है। खैर बलोचिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाता, मगर खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गरूब होने के बाद पुलिस थानों में बंद हो जाती है। और फिर आखिर में हम नाज़रीन इस सेगमेंट में बानी पीटीआई के हवाले से अगर कहूँ तो उन्होंने नाअहली के ख़िलाफ़ ज़ेर इल्तवा अपील की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रुजू किया एक बार फिर से। और चेयरमैन पीटीआई के वकील जो हैं अली ज़फ़र, उनकी जानिब से दरख्वास्त में बानी पीटीआई की नाअहली के ख़िलाफ़ दायर अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा भी की गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मामलात हैं सियासी, इन पर बातचीत करने के लिए किया है प्रोग्राम में PJ मीर साहब ने। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब कैसे हैं आप, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो कल समाअत हुई है, जो कार्रवाई हुई है, ये केस किस जाने बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखें, ये जितने भी केसेस आपके सामने हैं, आपने केस का तो जो भी जज डिसाइड करेंगे, let them get on with it, लेकिन हमें सबको पता है, पूरे कौम को पता है कि क्या हो रहा है। अभी आपने मौलाना फजलुर रहमान का जिक्र किया है, सही बात की है, उन्होंने गलत बात नहीं की है, हालांकि कई वो कर जाते हैं लेफ्ट राइट,
लेकिन ये बात उन्होंने सही की है। अब सब जो ओनस है ये एक, इसको अब तराजू में तोलेंगे, एक तरफ से ठीक है और दूसरी तरफ से ठीक नहीं है। आप कहेंगे ठीक कैसे, हम आपने जितनी भी अपनी बातें की अभी बताया, वो एयर कंडीशनर चोरी हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, हर चीज हो गई, क्यों है? हमारा एक टोटल डोमेस्टिक फेलियर है और डोमेस्टिक फेलियर के साथ हमारा एक पॉलिटिकल फेलियर है और पॉलिटिकल फेलियर को कौन ठीक कर रहा है? एस्टेब्लिशमेंट। अब एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए या तो खुल के आए, और इस तरह अगर आप बात करेंगे, लोग ये जो आपने भी सवाल उठाए, लोगों ने भी सवाल उठाए, इसके जवाब मुख्तलिफ आपके सामने आएंगे। इसके अंदर आपने कोर्ट्स के जिक्र किया, कोर्ट्स का भी एक तस्करा हो जाएगा। हमने इस रूट पे चलना है और ये हमारा टोटल, ये आज की गवर्नमेंट को छोड़ दिया, ये कई गवर्नमेंट्स के साथ हमने देखा है, हमारी जो पॉलिटिकल फेलियर है उसकी वजह से आप और मैं और आवाम रो रहे हैं, क्योंकि आपने टैक्सेशन बढ़ा दिए, ये देखें आप। उसके साथ साथ अब आपने कहा कि जी ये आगे क्या होगा, ये कोर्ट्स क्या करेंगे? द क्वेश्चन इज, एवरीबॉडी नोज के व्हाट इज द ट्रूथ। द ट्रूथ इज, इस ट्रूथ को हम ठीक कर सकते हैं, और वो कैसे ठीक कर सकते हैं? क्योंकि मैं तो जज पे बात नहीं करूंगा, भाई जज जो मर्जी करे अपनी मर्जी से करे, लेकिन ईमानदारी से करे। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, हम ऐसी नोयत पे पहुंचे क्यों है? आपने भुट्टो साहब के साथ भी ये कर दिया, आपने उसके बाद अगर आप ले लें 58 to 68 डेकेड ऑफ रिफॉर्म्स, अयूब खान के साथ भी आपने ये कर दिया, अच्छा जी, उसके बाद आपने नवाज शरीफ आए, उन्होंने काम किया, आपने उनके साथ भी ये कर दिया, आज इमरान खान है, उसके साथ भी यही हो रहा है। तो हमारे ये जो पॉलिटिकल वेंडेटास हैं, ये पॉलिटिकल सर्कल से निकलते हैं, ये फौज नहीं कराती, याद रखें, इसमें फौज का कोई हाथ नहीं है। फौज नहीं है कि जाके केस ए बी और सी पार्टी के खिलाफ करें, यही है सियासतदान। ये कभी एक दूसरे के साथ इसी तरीके से हम जो तबसरे करते हैं, क्वेश्चन उठते हैं, इसलिए उठते हैं क्योंकि इनमें ना इत्तफाकी है। तो अगर जिन्होंने हमें रोटी कपड़ा और मकान देना है, इन लोगों ने, तो मुझे बताएं ये कैसे देंगे? ये तो आपस में इतना लड़ रहे हैं, उसके अंदर आपके कोर्ट के केसेस भी हैं, उसके अंदर आपके दूसरे, ये टेररिज्म भी आ गई उसके अंदर, हर चीज। और टेररिज्म के जब आप बात करते हैं, अभी आपने जो एक तस्करा किया, वो असेंबली के अंदर, वहां तो यूनाइट हो जाओ टेररिस्ट के साथ, वो कहता है नहीं जी उसके जमाने में ये हुआ था, इसके जमाने में, और भाई हाँ, वो ब्लेम गेम ही चलती रहती है और उसकी वजह से मसाइल छुप जाते हैं कहीं पे। एब्सोल्युटली यू आर राइट। और ये जो ब्लेम गेम है, इसका नुकसान इनको है, नहीं है, ये अवाम को है। आप देखिए, किसी ड्राइंग रूम में चले जाए, किसी खाने पे चले जाए, वो डिबेट यही शुरू हो जाती है, देखो जी उसने ये किया, उसने ये किया, हमने अपनी सोसाइटीज को डिवाइड कर दिया है, खुदा की कसम, सोसाइटीज को डिवाइड कर दिया है, दोस्तों को डिवाइड कर दिया है, सिंपली बिकॉज कोई सच बोलने के लिए तैयार ही नहीं, तैयार नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मीर साहब, आज फिर से समाप्त होने जा रही है, सो पर्टिकुलरली ये पूछना चाह रही हूँ कि इस केस को आप आगे जाते हुए देखते कैसे हैं? मतलब अगर ये केस एक डायरेक्शन में चले जाते तो ये गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। नहीं जी, गवर्नमेंट के लिए क्यों चैलेंज हो जाएगा? देखो ना, अगर वो बेरी होते हैं और केस ठीक उनकी, लेट्स से के लीगली उनके फेवर में जाता है, तो गवर्नमेंट विल अप्रिशिएट इट। गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि वो वेंडेटा करे। हमने पिछली गवर्नमेंट्स को सबको देखा है, ये करते रहे, एक दूसरे के ऊपर केसेस इंस्टीट्यूट कर दिया। एक जमाने में पुलिस आपको प्रोटेक्शन देके जा रही है, दूसरे जमाने में पुलिस आपको हथकड़ियां लेके आगे जा रही है। ये तो हमारी लीडरशिप का हाल है। सो ये जो जजमेंट है या ये जो केस है, इसको ईमानदारी, ईमानदारी और ईमानदारी से जब आप नहीं करेंगे, हिस्ट्री के अंदर यही आएगा कि इट विल बी द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। और हमने इसको बचाना है, हमने फ्यूचर जनरेशन को देखना है, हमने आगे देखना है पाकिस्तान को। इट इज गेटिंग बेटर, बट एट द एंड ऑफ द डे ये पॉजिटिविटी नहीं है हमारी सोसाइटी के अंदर, ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। वी नीड रूल ऑफ लॉ, वी नीड एक्सेप्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। अभी आपने पुलिस की भी बात की है, पुलिस नीड रिफॉर्म्ड। अगर आप इसको रिफॉर्म नहीं करेंगे, SHO, मुझे क्या बताऊं, मुझे कल ये इस्लामाबाद के कुछ SHO का मुझे बताया कि जी वो FIRs नहीं काट रहे, ये नहीं काट रहे, फलाना नहीं काट रहे, वो इमरान को, लेट्स से ये इमरान खान, इसको गोली लगी, उसकी 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 FIR नहीं काटी। कैन यू बिलीव इट? तो मुझे बताएं, अगर हम ये माहौल, वेदर इट इज नवाज और जरदारी और इमरान, वी डोंट केयर, वी बट पाकिस्तान, पाकिस्तान फर्स्ट, और उसके अंदर ये सारे एक बैनर में नहीं आ सकते। अल्लाह करे कोई लेके इनको आ जाए, लेकिन आप जितने सवाल करेंगी, ये हमारी ना इत्तफाकियों की वजह से हम लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। कोई शक नहीं। अच्छा मीर साहब, ऑपरेशन अजमे इस्तेहकाम
हॉट टॉपिक है हमारा, इस पे रिएक्शन भी सामने आ रहा है, बल्कि एक्शन सामने आता है, फिर रिएक्शन सामने आते हैं। फिर अली अमीन गंडापुर ने कल अडयाला जेल से बाहर आके कहा है कि इस पे हमसे मुशावरत नहीं हुई है। जब इजलास हुआ तो उसमें अमन अमान की बातचीत हुई, लेकिन ऑपरेशन के हवाले से हमें कोई आगाह नहीं किया गया। फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान का बयान भी सामने आया, मियां इफ्तिखार ने भी कुछ कहा है, उन सब ने कहा कि आपको सुनवाते हैं, फिर इस पर मीर साहब आपका कॉमेंट लेते हैं। जो नाम आया वहाँ पर वो था अजमे पाकिस्तान, उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज ना पहले था ना बाद में था। तरीका कार आ जाएगा, किस तरह कोई करना है, अगर करना है तो उसके बाद इस पे कोई बात हो सकती है, लेकिन दहशतगर्दी का मुकाबला आवाम के बगैर नहीं कर सकते। मुसल्लह तंजीमें इस वक्त खुलेआम तमाम इलाकों को कंट्रोल कर रही है, और इन्होंने अब ऐलान किया है कि हम अजम इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अजम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमजोर करेगा। माजी के जितने ऑपरेशन हुए हैं जरा उनके नतीजे तो सामने रखें। ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से जो फैसला हुआ, हमें उन पे शदीद यानी तहफुजात हैं। ये एक तरफा फैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया है। जी मीर साहब, इस पे आपका क्या कॉमेंट है? अच्छा, एक और ये भी ऐड कीजिएगा इसमें के ऑपोजिशन की जानिब से जो इस ऑपरेशन के हवाले से बात की जा रही है उसको कंपेयर किया जा रहा है गुज़िश्ता तमाम ऑपरेशन से, तो ये कंपैरिजन भी यहाँ पे बनता है या नहीं? एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, ये जो ऑपरेशन है ये फेडरल गवर्नमेंट और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इसके करेंगी। अगर आपने अपने ऑपरेशन को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया तो टेररिस्ट को तो पहले पता चल जाएगा, सिंपल एज दैट, कि ये क्या करने वाले हैं। इतने ढीले हैं कि हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को लेके आते हैं उधर, वो जिस जनरल पाशा को असेंबली मिले हैं वो बाद में उसकी बातें भी निकल आई, तो कैमरा हम बात कर सकते हैं, किसको ट्रस्ट कर सकते हैं? उनके तहफ़ुज़ात ये मौलाना साहब के और गंडापुर साहब के ये अपने हैं, लेकिन आपने इन बयानात के ऊपर देखना है कि व्हाट आर द सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान डूइंग। हम सिक्योरिटी समझते हैं कि नहीं जी ये नहीं होना चाहिए। भाई आपको क्या पता है, व्हाट डू यू नो अबाउट इंटेलिजेंस? हमारी इंटेलिजेंस है, वो पकड़ेगी, जो जिस तरह भी वो करेगी वो करेगी। स्वाद को ऑपरेशन नहीं हुआ था, किस तरह तो क्या बताएं आपको कि हम क्या करें क्या नहीं करें? तो आप अपनी जो प्रोविंशियल की जो आप कह लो कि ये जो डिफरेंसेस हैं और प्रोविंशियल स्पीचेस हैं उसके अंदर ठीक है, लेकिन रिमेंबर ये एक नेशनल सब्जेक्ट है, इट इज नॉट अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ये बड़े लोग कहेंगे हाँ जी भाई प्रोविंस नहीं है, प्रोविंस पाकिस्तान ही है ना, नाम तो खैबर पख्तूनख्वा हो गया या सिंध हो गया या पंजाब या बलोचिस्तान, बट इट इज पाकिस्तान। तो कभी भी आप करोगे ये फेडरल एक इशू है और सिक्योरिटी जो हमारी एजेंसीज है ये वो करेंगी, आपको क्या बताएंगे कि हम इस तरह करेंगे हम वो करेंगे, हमें कॉन्फिडेंस में लेके आए, आपने लड़ना जाके लड़ना तो इन्होंने है ना, ये फौजियों ने या रेंजर्स ने या फ्रंटियर फोर्स ने इन्होंने लड़ना है। तो एट द एंड ऑफ द डे लीव द सिक्योरिटी टू द पीपल कंसर्न। हाँ, आप मुशावरे जरूर कर लें, एक जनरल एक इंफॉर्मेशन जो एक रिजॉइंडर होता है यू नो टू द चीफ मिनिस्टर एंड ऑल दैट, वो आप भेज दें सबको कि हम ये करने वाले एंड दैट्स इट, एंड योर कोऑपरेशन इज नीडेड, दैट्स इट, नथिंग मोर। तो अभी मुशावरत के लिए लेके आएगी गवर्नमेंट ऑपोजिशन का, क्योंकि एहतजाज ये है कि इसको ऐवान में लाया जाए, हमसे डिस्कस किया जाए, और हमारे अगर इस पर राय मतलब मुत्तफिक हो जाते हैं अगर तो फिर इसको आगे लेके जाया जाए। मुझे आप ये बताएं, जो आपके बहन भाई बच्चों को निहत्ता गोलियां मार के गर्दन काट देते हैं आप उनसे बात करते हैं? आप ये मुशावरत करेंगे? आप खुदा का नाम ले, कोई दुनिया में टेररिस्ट के साथ मुझको ये बात नहीं करता, और आपस में भी आप इनके मुतालिक बात नहीं करते। आप करते हैं नेशनल इंटरेस्ट पे बात, आप करते हैं पाकिस्तान की सेफ्टी की बात। हाँ जी मुशावरत करनी है, और भाई ये दहशत गर्द है इनके मुतालिक क्या, इसके अंदर तो आप यूनाइट हो क्या? अगर वो करेंगे तो हम सब मिलके करेंगे, दैट्स इट। एक पॉलिटिकल इशू बना दिया कि जी हमसे नहीं पूछा उससे नहीं पूछा, और भैया आप क्या कर लोगे, पूछ के क्या बताओगे मुझे? आर यू सेफ्टी ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स? ये क्यों हो रही है मुझे बताएं आप? आप पुलिस को संभाले, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि जब नेशनल इंटरेस्ट की बात हो, आवाम की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, उसमें सियासत तो आनी ही नहीं चाहिए। ये बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, बिल्कुल आप सही कह रही है। देखो इस ये कई इश्यूज हैं, बिल्कुल आप इख्तलाफ एक दूसरे से करें, कोई इशू नहीं है, उसके लिए पूरी सियासत पड़ी है ना, सियासत है इसी के लिए। नहीं जी, हमारी सियासत बड़ी लिमिटेड हो गई है जब लोगों के पास कोई भी हो दुनिया, ये मार्गरेट थैचर का एक है एक कोट कि जब आपके पास कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं रह जाती है फिर आप पर्सनालिटीज पे चले जाते हैं, तो दैट मींस यू हैव नथिंग टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। सो क्वेश्चन इज, हम पाकिस्तान में यही कर रहे हैं, पर्सनैलिटीज पे जा रहे हैं, एक दूसरे पे वो तंज शुरू कर दिया है, एंड ठहराओ अनफॉर्चुनेटली कहीं नहीं है।
तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, हम बड़े डेंजरस रस्ते पे जा रहे हैं, और ये मैंने बार बार कहा है, कई देर से मैं कह रहा हूं कि अगर आप नहीं संभलेंगे, जो मर्जी तकरीरें कर लें, जो मर्जी बयानात दे दें, ये अगर डेंजर जोन रेड लाइन क्रॉस हो गई ना, तो फिर इसके बाद 9th में तो छोड़ें, फिर आपके पास जो 10th और 11th में आएगी ना, आप फिर रोएंगे सब। तो ये उस रास्ते पे ना जाएं, मिलके मुशावरत करें, बैठें, बात करें, बट लेट द फेडरल गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी एजेंसीज डू देयर ओन वर्क। अच्छा शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं बल्कि कुर्सी पर बैठे हैं सिर्फ, सो मौलाना फजल रहमान क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे वो इमरान खान कहा करते थे कि मेरे पास तो कोई इख्तियारात नहीं थे, बस मैं नाम का ही वजीर आजम था, तो क्या मौलाना की बात का भी यही मतलब है कि अभी शहबाज शरीफ के पास भी कोई इख्तियारात नहीं है, बस वो वैसे ही कुर्सी पर बैठ गए? तो इमरान खान अगर ये कहते हैं तो फिर रिजाइन कर देना था ना, बैठे रिजाइन कर देते। देखो बाद में ये स्टेटमेंट, वेदर इट इज इमरान और शहबाज और एनीबडी, do not matter. जिस तरह वो छह जज ने लेटर लिख दिया, और भाई तुम उस वक्त छोड़ देते ना, बाद में क्यों रो रहे हो? यही इमरान को चाहिए था, हाँ जी मैं प्राइम मिनिस्टर नाम, और भाई रिजाइन कर देता, खत्म होगी बात। तो बात ये आती है, आज अगर शहबाज भी इस तरह है तो इफ ही फील्स कि ये पपेट है, लेट हिम गो। ये परमानेंट, ये पोजीशंस परमानेंट नहीं होती है, ये प्राइम मिनिस्टर आते जाते हैं, हर बंदा आता जाता है। आप, मैं यही हमेशा कहता हूँ कि सॉवरन जो होता है ना स्टेट, उसकी सॉवरेनिटी ऊपर रहनी चाहिए, रिट ऑफ द स्टेट, या रिट नहीं है इस वक्त बिल्कुल। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको पर्सनैलिटी पे ले लें, हाँ जी शहबाज इज अ पपेट, नो, ही स्टिल द प्राइम मिनिस्टर टिल द टाइम ही सेज के नहीं जी मेरे हाथ में कुछ नहीं। सो वी रिस्पेक्ट द प्राइम मिनिस्टर। आप और मैं ये बातें करेंगे, आपका क्या ख्याल है, ये जो फॉरेन एम्बेसीज है पाकिस्तान में, ये आपकी और मेरी बातें रिकॉर्ड नहीं कर रही, इनके पास ट्रांसलेटर्स बैठे हुए, ये क्या डिस्पैचेस करेंगे कि पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं जी प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं, कोई और है? ऐसी ये डेंजरस और बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक खतरनाक स्टेटमेंट होती है। फिर लोग डरते हैं कि भाई अगर ये वजीर आजम नहीं है, हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों करें, हम पाकिस्तान में यू नो लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, क्योंकि वजीर आजम ही नहीं है तो आप मुझे कोई आएगा, कोई नहीं आएगा। सो ऐसी डेंजरस स्टेटमेंट्स हैं, इसको प्लीज वो रेज करें, जहाँ तनकीद करो यार, दबा के करो, बट नॉट एट अ लेवल वेयर द कंट्री गेट्स हिट। सही। अच्छा मीर साहब, एक और मसला है कि अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि जो भी दहशतगर्दी है उसका गढ़ केपी है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो जो भी दहशतगर्दी का सामना में करना पड़ता है वो केपी की वजह से करना पड़ता है, बट व्हेन इट कम्स टू अपोजिशन तो अपोजिशन कहती है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी होती है। डोंट यू थिंक कि इन लोगों ने अपनी सियासत को चमकाने के लिए या अपने बयानिए के लिए, अपने मफाद के लिए इतनी ज़्यादा डिवाइड पैदा कर दिया सूबों के लिए? मतलब अगर पंजाब में है या फिर केपी में है तो पाकिस्तान का हिस्सा ना, पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, दैट शुड बी द टॉपिक, दैट शुड बी द डिबेट। ये बहुत ज़्यादा एक इन्होंने डिबेट ये पैदा कर दिया, लड़ाई पैदा कर दी है सूबों में। बड़ी अच्छी आपने बात की है, एब्सोल्युटली राइट। आप पीटीआई को किसने ब्लेम कर सकते हैं कि जी उन्होंने ये किया है? हर गवर्नमेंट ने फॉल्ट लाइंस रखी है अपनी। बात ये है, एक बात करना चाहता है, एक बात नहीं करना चाहता, और अपनी गलतियां अपोजिशन पर डाल देते हैं। यही पीटीआई ने किया था ना, कि नून ने ये कर दिया, पीपल्स पार्टी ये कर गई, चोर 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 चोर, अब निकले इनकी बारी आई, ये कहते ये भी चोर, ये भी देखो दहशत गर्दों के साथ। ये आपसे सही बात की है, हम इसी ब्लेम गेम पे लगे हैं, हमारी सोच छोटी है। दिस पीपल, सम ऑफ दिस पीपल जो असेंबलीज में है, खुदा की कसम, दे कैन नॉट गेट अ जॉब इन अ कॉर्पोरेट फर्म। यार वी नीड गुड क्वालिटी पीपल जो कि मुल्क को आगे लेके जाए। तो जब आप इस तरह के छोटे छोटे लोग, आप कहेंगे वो इररेलेवेंट बयान देंगे, तो क्या लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे मुझे आपसे? बताए ना मुझे, डिलीवरेंस होगी? नहीं डिलीवरेंस होगी। और ये आज की गवर्नमेंट की बात नहीं करूंगा मैं, ऑल द वे थ्रू। आप इतने डेट पे क्यों हैं जरा मुझे बताएं? क्योंकि हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने इतने लोन ले लिए हैं, इतने लोन ले लिए हैं IMF से, वर्ल्ड बैंक से, और यू नो दूसरे यू नो इदारों से, कि आपने ओवरस्पेंडिंग कर दी। ओवरस्पेंडिंग करके उसका जो भार है वो आप पे और मेरे सब पे डाल दिया। टैक्सेशन आपने वहां बढ़ा दी, क्यों? बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट, एंड इट इज नॉट टुडे, इट इज ऑल द वे थ्रू। तो जब आप इस तरह की बात करेंगे तो आपको तो पॉलिटिकल फेलियर नजर आ गया ना यार। तो ये तो मुल्क कर्ज में जाएगा। ये रोते हैं, नहीं जी उस गवर्नमेंट ने कर दिया, इस गवर्नमेंट ने ये कर दिया, उसने, ये सब ने मिलकर किया है। ये जो पीटीआई कहती है और नून और पीपल्स पार्टी एंड एवरीबडी एल्स जो कि गवर्नमेंट पर है, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, सिंपल एज दैट। ये लोगों को इतनी टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपकी बोरोइंग इतनी हो गई है, यू कांट रीपे, तो रीपे तो हम कर रहे हैं भाई।
इन 39 डिफरेंट टैक्सेस, 39 टैक्सेस कौन देगा भाई? लोग तो रोड पे मर रहे हैं, आप उन पर टैक्स लगा रहे हैं। अब मजाक बन गया कि जी सांस लेंगे उसमें भी टैक्स हो जाएगा। आप बात के एनवायरमेंट की, मैं तीन चीजों की बात करता हूँ। फी उसको मैं कहता हूँ, एफ डबल ई, क्या है? नंबर वन, द कंट्री नीड्स फैमिली प्लानिंग, इस पे इमीडिएटली काम होना चाहिए। पॉपुलेशन, यस, वी हैव गॉट अ पॉपुलेशन ग्रोथ। अच्छा जी, दूसरी चीज है एजुकेशन, और तीसरी चीज अभी आपने जिक्र किया एनवायरमेंट, हमारी एनवायरमेंट बीइंग इरोडेड। आप चले कश्मीर में जाए, चिकोटी से पहले आप देखो पहाड़ गंजे, इंडियन साइड पे देखो ग्रीनरी ऑल द वे थ्रू, कोई नहीं रोकता ही कोई नहीं। यहाँ पे पूरे पूरे जंगलात को आग लगाई जा रही है, मरी के जंगलात को बिल्कुल जला दिया गया है, वो काफी बड़ी हद तक वहां पे आग लग चुकी है और जंगलात जल चुके हैं। बहुत शुक्रिया बहरहाल मीर साहब आपका मैं ज्वाइन करने के लिए, वक्त हमें ब्रेक की जाने पड़ना है। आज इन गुफ्तगू आपने सुनी है, प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीबडी। कल हमने प्रोग्राम में एक स्टोरी शामिल की थी कराची से, जहाँ पे 36 करोड़ की ये मालियत थी, जिसकी ये रकम थी जो दवाइयाँ कैंसर की दवाइयाँ थी वो चोरी हुई थी। आज हम आपको लेके जा रहे हैं हयातबाद पेशावर, जहाँ पे मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर से 19 एयर कंडीशन चोरी हुए हैं। दो मुलाजिम ऐसे जिनको बरतरफ तो किया गया, और जो खैबर पख्तूनख्वा का ये दारुल हुकूमत है पेशावर, कैपिटल सिटी है उसके, ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल आप कह सकते हैं हयातबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, वहाँ से 70 लाख रुपए की जायद मालियत बताई जा रही है, जो ये एसीज है इनकी कीमत ये बताई जा रही है। फयाज खान हमारे रिपोर्टर पेशावर से हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। फयाज हम, वालेकुम सलाम, पहले तो बताइएगा ये, जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मालियत मैंने बताई है ये दुरुस्त है और ये क्या स्टोरी है? जी बिल्कुल, इस तरह हुआ था कि हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो है ये पेशावर का तीसरा बड़ा तदरीजी अस्पताल है, जहाँ पर मरीजों को जो है वो न सिर्फ पेशावर से बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से यहाँ पे आते हैं, और इसके साथ साथ जो है अफगानिस्तान के मरीजों का बोझ भी हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से है। तब इस सिलसिले में हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स की इंतजामिया ने जो है वो अमेरिकी साख के कीमती एयर कंडीशन खरीदने का फैसला किया था, और इस सिलसिले में एयर कंडीशन जो है वो तकरीबन कहा जा रहा है कि 25 के करीब एयर कंडीशन जो है वो खरीदे गए थे, जिनमें से इन एयर कंडीशन को जो है वो स्टोर में डंप किया गया था। और इस हवाले से जो है बाकायदा तौर पर यह कहा जा रहा था कि चूंकि ये मुख्तलिफ शोबा जात में लगने थे, इसके लिए जो है ये स्टोर में डंप किए गए थे। अच्छा, ये अभी नए खरीद के लाए गए थे क्योंकि इनकी जरूरत थी और ये मुख्तलिफ शोबा जात में लगने थे, अभी लगे नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं लगे नहीं थे स्टोर में डंप थे। तो एक दिन जो है ये मतलब मामला जो इस तरह सामने आया कि दो मुलाजमीन के माबेन जो है, जो अस्पताल के मुलाजमीन थे उनके माबेन किसी बात पर तकरार हुई, और तकरार के बाद जो है वो दोनों मुलाजमीन जो है वो इसमें मुलविस थे। तो तकरार के बाद जब दोनों मुलाजमीन की तकरार हुई तो उन्होंने जो है वो उसमें से एक मुलाजिम ने इसकी शिकायत जो है वो डायरेक्टर हॉस्पिटल फिकर शहजाद को कर दी, जिस पर उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी, और इंक्वायरी जो है वो तकरीबन एक माह तक चलती रही। था इस दौरान जो है वो फैसल शहजाद चूंकि महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मैनेजिंग कैडर के मुलाजिम है, अफसर है, तो उन वो डिपोटेशन पर है इस वक्त हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। तो इन्हें जो है वो डिपोटेशन वापस करके वापस जाना पड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट। इस दौरान जो है, अच्छा, ये जो दोनों मुलाजमीन है जिनको बरतरफ भी किया गया है, जिनकी तकरार के बाद ये वाकया सामने, ये मुलाजमीन हैं कौन? ये जो है एक हॉस्पिटल स्टोर के जो एक मिनिस्ट्रियल मैनेजर है, और दूसरा जो है वो भी ये मैनेजर स्टोर जो है वो दोनों बंदे थे जो। अच्छा, और यही दोनों मुलविस थे, फिर बाद में इनकी किसी बात पे तकरार हो गई, इनकी लड़ाई हो गई होगी किसी चीज पे? जी जी बिल्कुल, तकरार हुई तो उसके बाद जो ये मामला सामने आया, फिर वो वजह आपको मालूम हुई कि इनकी लड़ाई क्यों हुई है, जिसकी वजह से ये फिर एक ने जाके शिकायत कर दी? वैसे आप भी रिकॉर्ड कहा जा रहा है कि इसमें जो है पैसों पे दोनों की जो है तकरार हुई थी, और एक ने जिसने फरोख्त किए थे तो दूसरे ने पैसे जो है उसको अदा करने थे, तो इस पे तो उनका मामला वो बिगड़ गया था, तो उस वजह से ये मामला जो है वो सामने आया। और उसके बाद जो है बाकायदा इंक्वायरियां हुई, इंक्वायरी में जो है वो ये इंक्वायरियां रोक भी दी गई तकरीबन दो माह के
तकरीबन एक माह ये इंक्वायरी जो है ये रोकी गई थी। इसके बाद जो है डॉक्टर फैसल शहजाद जब दोबारा हाईकोर्ट ने इन्हें बहाल कर दिया और वो दोबारा हॉस्पिटल डायरेक्टर बन गए, तो उन्होंने दोबारा इंक्वायरी शुरू कर दी और इंक्वायरी के नतीजे में साबित हो गया इन पर इल्जाम जो है इन साबित हो गया, जिसके नतीजे में बायो मेडिकल इंजीनियर मैनेजर मटीरियल और मैनेजर स्टोर को जो है फौरी तौर पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया, जबकि एक इसमें मुलाजिस्ता असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट तो उनकी जो है एक माह की तनख्वाह और एक इंक्रीमेंट जो है वो बतौर सजा रोक दी गई। अच्छा, इनको सिर्फ बरतरफ किया गया, इनके खिलाफ मजीद कोई कार्रवाई नहीं हुई है? चूंकि यहाँ पे तो आपको पता है कि सरकारी मुलाजमीन और सरान का यही बस सिर्फ अगर आपको कुछ ना करना हो तो उनके लिए इंक्वायरी बैठा दें, इंक्वायरी में उनको चार पांच माह छह माह इंक्वायरी पे लगा दें, फिर इंक्वायरी जो होती है जो इंक्वायरी ऑफिसर होते हैं उनके माँ बहन और जो मतलब जो दूसरे जो फरीक होता है उनके माँ बहन अगर मामला तय पा गए तो ठीक है, अगर मामला नहीं पा गए तो ये बात जो है चली जाती है, फिर इंक्वायरी जो है इंक्वायरी में ये मुअत्तल हो जाती है और इंक्वायरी के बाद इन्हें ना तो कोई सजा दी जाती है ना कोई बर्खास्तगी का वो है, फिर उसके बाद जो है आसान तरीका सोलिसिटर जनरल है, सब वो ये जब सोलिसिटर जनरल में चले जाते हैं एक दो माह के बाद जो है वो बहाल हो जाते हैं और दोबारा अपनी पोस्टों पर आ जाते हैं। तो सरकारी मुलाजमीन और सरान के लिए यही मसला है कि चोरी तो रोकना इंतहाई मुश्किल काम हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। एनी हाउ, बहुत शुक्रिया फयाज खान आपका हमें पेशावर से अपडेट करने के लिए स्टोरी से मुतालिक। इससे पहले प्रोग्राम में मुतअद्दिद बार हमने ये सेगमेंट्स किए, ये स्टोरीज़ हम शामिल करते रहे, बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ भी हमारे पास आती रही हैं सिंध से, जहाँ पे पेपर्स लीक हो जाते रहे या इस तरह के कोई वाकयात होते रहे जहाँ पर ये साबित होता रहा कि कितना नाकिस इंतज़ाम है, हुकूमती इदारे कितनी बुरी तरह परफॉर्म कर रहे हैं वन इट कम्स टू हेल्थ और एजुकेशन पर्टिकुलरली। लेकिन अभी एक और स्टोरी हमारे सामने आई है लाहौर से कि ये अब पंजाब में भी ये सिलसिला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान है तो मतलब कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर लें, कहीं पे मरीजों की जिंदगियों के साथ खेला जाता है, कहीं पे तालीम की बात आती है तो वहाँ पे तालीमी बोर्ड जो होते हैं वो उनके मार्किंग सेंटर से इम्तिहानी पर्चों का बंडल ही मुबैना तौर पर गायब हो जाता है। ये मैं लाहौर का जिक्र कर रही हूँ और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक पार्ट वन सोशियोलॉजी के गालिबन बताया जा रहा है ये पेपर्स हैं जो कि गायब हुए हैं, उसमें 52 तलबा के पेपर्स मौजूद थे और बंडल की जो चोरी हुई है उसने शोभा इम्तिहानात की सीक्रेसी पर एक बार फिर से सवालात उठा दिए, हमारी गवर्नेंस पे एक बार फिर सवालात उठा रही हैं, हमारी एजुकेशन सिस्टम क्या है उस पे एक बार फिर से सवालात उठा दिए। और जो तर्जुमान लाहौर बोर्ड हैं उनका इस हवाले से ये कहना है कि इम्तिहानी पर्चे दो रोज़ पहले गायब होने की शिकायत सामने आई थी। उमर दराज गोंदल हमारे ब्यूरो चीफ हैं लाहौर से, वो हमें ज्वाइन करें पिक पे। उमर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम साहब। उमर बताएं कि ये क्या वाकया है? ऑब्वियसली कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, बाकी आप शेयर करें हमारे साथ। ये वाकया पहले सिंध से रिपोर्ट हो रहे थे, अब ये पंजाब में भी इस तरह होना शुरू हो गया है? नहीं, उसकी वजह अगर आपको याद हो जब ये गवर्नमेंट आई है उस दौरान पेपर्स हो रहे थे और उस दौरान ये खुद हम नहीं कह रहे थे, गवर्नमेंट के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने माना कि यहाँ पे पंजाब में भी सेंटर्स दिखते हैं और फिर उन्होंने छापे मारे, उन्होंने जो बूटी माफिया के लोग हैं उनको पकड़ा, ये सब कुछ हुआ। अब वो जो सारी चीजें मैं उसकी वजूहात बताता हूँ ये क्यों है। अब ये जो खबर आई है ये बच्चा गायब होने वाली, इस हवाले से पता ये चला है कि कोई आज से तीन रोज पहले पता ये चला कि चूंकि आपको पता है कि जब बच्चे पेपर्स दे देते हैं तो उसके बाद एक पूरा प्रोसेस है, मिसाल के तौर के ऊपर जो उनका ऊपर रोल नंबर होता है, जो उनका नाम शाम होता है वो सारा उसके ऊपर से हटा के उनको एक फर्जी किस्म का एक शनाख्ती नंबर या कोई नंबर अलॉट किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब वो जो मार्किंग सेंटर में भेजे जाते हैं क्योंकि जाहिर है कि वो पेपर्स लाखों की तादाद में होते हैं पंजाब के अंदर, तो वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर टीचर्स को हायर किया जाता है ताकि पता ना चले। अच्छा, अब हुआ ये है कि जो इस तरह से पेपर्स भेजे गए और जो वहां पे मार्किंग सेंटर है, बताया गया है कि पार्ट वन का जो सोशियोलॉजी का पेपर है एक पूरे का पूरा बंडल गायब हुआ है, क्योंकि एक बंडल में कई दर्जन पेपर होते हैं, बताया गया कि 50 से ज्यादा बच्चों के पेपर्स उसमें मौजूद थे और उसके बाद आज से तीन रोज पहले लाहौर बोर्ड को बाकायदा इस हवाले से आगाह किया गया कि जनाब वो बंडल गायब हो गया। अब ये नहीं बताया गया कि आया वो बंडल वहां पे किसी ने आपसे छीन लिया है या कोई और वजह बनी है, कैसे गायब हो गया है, क्योंकि
अगर आप आमतौर पे देखें जिस तरह यूनिवर्सिटीज के पेपर होते हैं, जैसे पंजाब में एक बड़ा जो काम है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का होता है, या लाहौर बोर्ड है, गुजरावाला बोर्ड है, दीगर बोर्ड है, तो वो उसकी जो एक जगह से दूसरी जगह पेपर मुंतकली होती है वो बड़ा सिक्योर तरीके से किया जाता है, और वो कोई किसी टीचर का या उसका काम नहीं होता, उसमें बोर्ड खुद इन्वॉल्व होता है। तो अब ये जो है एक बहुत ही संजीदा और हसास किस्म का मामला है। तो अब जो लाहौर बोर्ड के जराए हैं वो ये बताते हैं कि देखे जनाब, वो इस तरह से है कि अब हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और इंक्वायरी करने के बाद हम इसको देखेंगे क्या हो रहा है। लेकिन एक्चुअल मैं आपको बात बताना चाहता हूँ इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है। लाहौर शहर जो है, जहाँ पे लाहौर का तालीमी बोर्ड है, इसके और वजीर आला ऑफिस के दरमियान कोई ज्यादा वो फासला नहीं है। लेकिन मरियम साहिबा, आपसे थोड़ी देर पहले अभी जब सुबह सवेरे हमें बताया गया तो पता चला कि वो जो एक लाइब्रेरी में गई है और उन्होंने वहां पे जो चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स है वहां पे छापा छापा मारा है। मरियम साहिबा स्कूल्स में भी जाती है, अच्छी बात है, लेकिन शायद मरियम साहिबा को वो शायद टिकटॉक बनाने में इतनी ज्यादा मसरूफ है कि जो असल मसाइल है। इसका इवन परसों तरसों पंजाब असेंबली के अंदर बजट तकरीर के दौरान भी तहरीके इंसाफ के एक एमपी बड़ी उनको बता रहे थे कि पंजाब में जो बोर्ड है आपको पता है उनका सरबरा नहीं है। इस वक्त जिस लाहौर के तालीमी बोर्ड की हम बात कर रहे हैं कि वहां पे पर्चे गायब हुए हैं, क्या आपको पता है कि लाहौर बोर्ड को इस वक्त जो कमिश्नर लाहौर है उनको इजाफी चार्ज दिया गया है। तो माशाल्लाह हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसरान है, वो ऑलरेडी ओवर बर्डन है, उनके ऊपर इतना ज्यादा काम का, वो कहते हैं नहीं हम तो बड़ी मुश्किल से पहले ही कर रहे हैं। अब उनको आप जब तालीमी काम भी देंगे तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से हमारी सिर्फ तालीमी बोर्ड का प्रॉब्लम नहीं है, पंजाब के अंदर जो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज है वहां पे एक साल से नहीं कई सालों से उनके अंदर परमानेंट वीसीज नहीं है। तो गवर्नमेंट ये तो कहती है कि हमारी तरजीह है, तो लगता यह है कि वो डंग टपाव पॉलिसी के तहत चल रहे हैं कि दिन जो है वो गुजर जाए और जब वो मामला हाईलाइट होता है तो वो फिर शोर मच जाता है। अब आते हैं इस पर्टिकुलर ये जो हम जिस मामले के ऊपर बात कर रहे हैं, अब ये जो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं वो जब आए उन्होंने छापे छापे मारे, वो तस्वीरें भी अच्छी करते हैं, अंग्रेजी भी अच्छी बोलते हैं, वो ये भी बताते हैं कि वो एजुकेशनियन है, लेकिन जाहिर है अब उनके सामने ये जो है वो बड़ा चैलेंज है कि आप इस चीज को कैसे देखते हैं। ये कहना नहीं चाहिए, जाहिर है कि सिंध भी हमारे लिए उतने काबिल एहतराम है, लेकिन एक आम जो हाइप थी, जो आम चीजें थी वो ये थी कि सिंध के ये सब सिंध में ज्यादा हो रहा है, लेकिन लाहौर में एक उनका बोर्ड जो है कॉम्पिटेटिव भी है, कॉम्पिटेटिव इन अ सेंस के सबसे ज्यादा वो जिस तरह कहते हैं ना कि लाहौर के आपने बोर्ड का इम्तिहान पास कर लिया तो उसका मतलब आप सही जा रहे हैं, उसी तरह से ये चीजें अब यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि इसी हफ्ते में वहां पे बाकायदा लेजिस्लेशन हुई है जो पेपर्स गायब करने वाले हैं या लीक करने वाले हैं या उनकी सहूलत जारी करने वाले हैं, वो इस चीज को, क्योंकि देखें ये ऐसा मामला नहीं है जिसको आप यूं कहें तो पेपर्स हो गए हैं, कोई बंडल गायब हो गया है या वहां पे कोई बूटी माफिया था तो वहां पे कोई नकल हो रही, नहीं नहीं, ये आपके मेरे हमारी आइंदा मुल्क की हमारे फ्यूचर का सवाल है, यानी आप ये नहीं कर सकते, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर आपकी तालीमी बोर्ड तालीमी जो प्रोसेस है वही इस किस्म का उसके ऊपर वो क्या कहते हैं कि मशकूक है या उसके ऊपर ही आपको यकीन नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। इसका मतलब है फिर आगे यहाँ पे भी यही सिलसिला है, फिर कल को पता चलेगा जनाब के आपका वो जो जॉब के एग्जाम्स होते हैं वो पीपीएससी ले या वो एफपीएससी ले, यानी पीएमएस के हों या सीएसएस के हों, तो अगर उसमें भी फिर ये चीजें आना शुरू हो जाएंगी तो फिर रूटीन है, तो इसको रूटीन बेटर के तौर पे नहीं देखना चाहिए या इस तरह से नहीं करना चाहिए जी हो गया इसको इंक्वायरी कर लेंगे। मेरे ख्याल से इसके अंदर बाकायदा टाइम मुकर्रर करके और इसको इंडिपेंडेंटली देखना चाहिए ताकि हम इसके लिए एक प्रेसिडेंट सर्च कर सकें, एक मिसाल बना सकें। बिल्कुल, कानून साजी होनी चाहिए, फिर उस पर अमल भी होना चाहिए और जो सजा बनती है, अभी जैसे ये वाला केस है इसमें जो भी लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि सजा होनी चाहिए सख्त से सख्त ताकि आइंदा ऐसे वाकयात रिपोर्ट ना हो। उमर, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, थी हमारे पास पंजाब से, जो कि अफसोसनाक है, और हमारी यही उम्मीद होती है, रिक्वेस्ट होती है, ये सेगमेंट्स करने का मकसद ही यही होता है कि आवाज़ हम बुलंद करेंगे जो मामलात हो रहे होते हैं इनके खिलाफ, ताकि
कार्रवाई करने वाले कार्रवाई करने में कामयाब हो जाए और वो अपनी जिम्मेदारी को समझ जाए। एक ब्रेक शामिल करते हैं जल्दी से प्रोग्राम में। वेलकम बैक एवरीबडी। नाज़रीन, अभी अभी ईद गुजरी है कुर्बानी की और हम बहुत सारे जानवरों को कुर्बान करते हैं, लेकिन अक्सर मैंने खुद भी नोट किया है कि जो कुर्बानी के जानवर होते हैं उनके साथ बर्ताव हमारा ठीक नहीं होता। शायद कहीं पर छांव होगी, उसके बावजूद हम उनको धूप में बांध देंगे, पानी शायद ना पिलाएं। सो ये ऐसे मसाइल हमारे सामने आते रहते हैं। सो कुर्बानी के जानवर हों या फिर पालतू हमारे जानवर हों, चौपाहे हों, परिंदे हों, कोई भी माल मवेशी हो, आवारा कुत्ते होते हैं जहाँ पर बिल्लियाँ ख़ास तौर पर, ये आवारा कुत्ते और बिल्लियाँ, ये बदकिस्मती से हमारा जो इनके साथ सलूक होता है, रवैया होता है, वो बहुत बुरा होता है, तकलीफ़ते होता है और नामुनासिब रवैया हम लोग इख्तियार कर लेते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि जो इंसानों की जानिब से इन बेज़ुबानों पर जुल्म और ज़्यादती की इंतहा हो जाती है। ईद के मौके पर ही बल्कि आपके पास ये खबर आई थी, सांगढ़ से हमारे पास ये खबर आई थी ऊंट के हवाले से, उसके बाद एक गधे की भी हमारे सामने खबर आई, और आज सुबह मैंने कुछ खबरें पढ़ी हैं जी कश्मीर से, जहाँ पे लेपर्ड्स को मारा गया है, उनके बच्चों को भी मार दिया गया, लेपर्ड्स को भी मार दिया गया। आई एम सर्टेन कि वो लोग अपने डिफेंस में मारते हैं। अब ये अपना डिफेंस किस किस्म का है कि आप जानवरों को, वो भी एंडेंजर्ड स्पीशी हमारी जो होती है कोई भी, वो आप लोग उनको इस तरह हर्ट कर देते हैं। हैदराबाद में जो गधे के साथ किया गया वो बेचारा तो बच भी नहीं पाया, वो मर गया फाइनली, और जो टांग काट दी गई ऊंट की, ये एक दो खबरें नहीं हैं, ये बहुत सारे केसेस हैं और ये वक्तन फवक्तन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इनकी वजह क्या है, ये क्यों ऐसे हो रहा है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया जी मुफ्ती ऐनुल हक बगदादी साहब ने, मजहबी स्कॉलर हैं, उनसे कि दीन क्या सिखाता है हमें, दीन क्या बताता है कि जानवरों के साथ क्या करना चाहिए और हमारे नबी कैसे जानवरों के साथ, उनका क्या बर्ताव होता था। और साथ ही हमें ज्वाइन किया तलाल जुबैर साहब ने, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, उनसे जानेंगे कि क्या इस दिमाग में चल क्या रहा होता है इन लोगों के जो इस हद तक पहुँच आते हैं जुल्म करने के। दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। तलाल साहब, आपसे आगाज़ करूँगी कि ये वजह क्या है कि जो हमारे लोग हैं ना, वो मैंने लिटरली खुद ऐसे लोगों को देखा चलते फिरते ईंटें उठा के मार दी जानवरों को, शायद इसलिए कि भाई वो हमें कहीं काट ना ले। तो ये तरीका होता है कुछ, या ये लोगों के दिमाग में चल क्या रहा होता है? बुनियादी तौर पर पाकिस्तान जो एक माशरा है वो मुझे पेट लवर माशरा लगता है। यहाँ पर लोग बहुत ही शौक़ से घोड़े, बकरियाँ, गाय, हमारे अगर आप विलेज जहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन अगर आप वहाँ पर देखें तो लोगों ने अपने पेट्स पाले होते हैं जो कि मिल्क के लिए और मीट के लिए वो यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसे डेफिनेटली लोग हैं जो कि जानवरों को आपस में लड़ा के भी खुशी महसूस करते हैं, जैसे कि मुर्गों की लड़ाई होती है, कुत्तों की लड़ाई होती है, ऊँटों की लड़ाई होती है आपस में, और बाकायदा उसके लिए वो मॉनेटरी गेंस उनके होते हैं और वो उनको उन जानवरों से बिल्कुल भी हमदर्दी महसूस नहीं होती है, एम्पथी जो है वो नहीं वो फील कर सकते। तो बुनियादी तौर पर जो मसला है वो ये है कि सोसाइटी के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर कुछ लोगों के अंदर ऐसे बिहेवियर्स होते हैं कि नज़र आता है कि उनके अंदर एम्पथी नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये बड़ा कम ये परसेंटेज होगी ऐसे लोगों की, ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं होते। डेफिनेटली माशरे के अंदर ज़्यादातर लोग तो ऐसे नहीं होते, एक रेशो ज़रूर होती है ऐसे लोगों की, जैसे कि एक डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं, डिफरेंट किस्म के मसाइल होते हैं साइकोलॉजिकल, जिसके नतीजे में लोग इस किस्म के बिहेवियर जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसमें जो पहली चीज़ है वो सैडिज़म है। सैडिज़म एक ऐसा ज़हनी कैफियत है जिसके अंदर आप जो है वो दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा के, वायलेंट करके, दूसरों को सफरिंग में डाल के खुशी महसूस करते हैं, तो राहत मिलती है आपको। तो ये भी एक पर्सनालिटी टाइप है और वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरे इंसानों को भी, ये डेवलप और कैसे होता है लोगों में? बल इसके डिफरेंट जो है वो कॉजेज रीजंस हैं, आपके जेनेटिक्स हैं, आपका साइकोलॉजिकल मेकअप है, आपके साथ चाइल्डहुड ट्रॉमा अगर कोई है, चाइल्डहुड अब्यूज़ आपके साथ हुआ है, आपने कोई किसी आप पोस्ट ट्रॉमा, यानी नेचुरली क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी है वो हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट एज होती है जो कि 6 माह से लेके 12 साल की उम्र होती है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो हमारे साथ हो रही होती हैं उसके मुताबिक हम कोपिंग मैकेनिज्म बना लेते हैं, अपनी एक नफसियात बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा
बच्चा जिसकी हिस्ट्री है किसी फिजिकल या अब्यूज़ की या वायलेंस की या कोई ट्रॉमा की, तो उसका जो एक्सप्रेशन ऑफ एंगर होगा वो वायलेंस टूवर्ड्स अदर होगा, ठीक है? Yes. क्योंकि उसके साथ चूंकि वायलेंस हुई है तो उसने सीख लिया है कि दिस इज़ हाउ वी डील विद द वर्ल्ड, इस तरीके से हम दुनिया के साथ कोप अप करते हैं। फिर ऐसे लोग जिनके अंदर एक जैसे मेंटल इलनेस है जिसे हम कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं या एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इनके अंदर भी लैक ऑफ एम्पथी होती है और ये दूसरों के साथ इमोशनल कनेक्शन या बॉन्डिंग डेवलप नहीं कर सकते। और जब ये लोग जानवरों के साथ या इंसानों के साथ फीलिंग नहीं रखते तो ये उनके साथ किसी भी लेवल पे सलूक जो है वो कर सकते हैं। फिर एक जो इसकी रीज़न है वो दूसरा रीज़न जो है वो हम बगदादी साहब से जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद जानते हैं। बगदादी साहब, हमारा दीन इस्लाम इस बारे में क्या कहते हैं कि जानवरों के साथ कैसा सलूक होना चाहिए, परिंदों के साथ, बल्कि हमारे नबी के बारे में बताइएगा कि वो कैसे जानवरों के साथ या परिंदों के साथ डील करते थे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये बहुत ही प्यारा मौजू आपने रखा और ये अल्लाह का शुक्र है कि इंसानों के हुकूक के साथ साथ हैवानात के हुकूक के ऊपर भी बात होती है। मैं यहाँ एक तो अर्ज करूँ कि इस्लाम दुनिया के ये वाहिद मजहब है कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज के बराबर हुकूक बयान किए गए हैं। और अगर हम कुरान पाक को भी लें तो हैवानात के नाम पर कुरान अजीम के अंदर हमें चंद सूरतें मिलती हैं, जैसे सूरह अल बकरा, बकरा गाय को कहते हैं उसके नाम पर है, इसी तरह सूरह अल अनआम और अनआम हैवान को कहते हैं, हैवानात को, अन्नहल चूंटी और ये शहद मक्खी, सॉरी शहद की मक्खी है, अल अनकबूत ये जो मकड़ी होती है, ये चूंटी, अन्नमल चूंटी है, अलफील हाथी है। तो इस तरह से मुख्तलिफ जानवरों के नाम पर कुरान अजीम के अंदर सूरतें भी मौजूद हैं। अब रहा आगे कि हम मुख्तसर से इनके हुकूक के ऊपर बात करते हैं कि इस्लाम इनके बारे में क्या देता है। स्पेशली आपने जो कुर्बानी के हवाले से बात की तो उसमें क्योंकि हम कसरत से देखते हैं कि जो हमारे बुचर्स हैं वो इतने अनट्रेंड होते हैं और अपने चार पैसों की खातर वो जिंदा जानवर को उसकी खाल उतारना शुरू कर लेते हैं, अभी पूरी तरह से जानवर से जान नहीं निकली होती और वो उसकी स्किन भी उतारना शुरू कर लेते हैं और उसके आज़ा काटना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी कमी है कि हमारे लोगों को चाहिए कि ये इन लोगों की ट्रेनिंग करें, बुचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स एक भेड़ के ऊपर अपनी एक टांग रखे हुए था, यानी भेड़ को गिराए हुए था और उसकी गर्दन पर एक टांग लगी हुई थी और दूसरे हाथ में वो छुरी तेज कर रहा था, इस हाल में कि वो भेड़ उस छुरी को तेज करते हुए देख रही थी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मना फरमाया इससे और फरमाया कि तुम इसको दो मौतों से मारना चाहते हो, यानी कि एक मौत तो यह है कि तुम इसको जबा करोगे और दूसरा ये कि उससे पहले उसको वो ट्रॉमा दे रहे हैं ताकि उसको मौत भी नजर आए। हत्ता के आप अलैहिस्सलाम ने जो मूजी जानवर है उनको भी एक जरब से मारने की अहमियत को उजागर किया। हदीस मुबारक हैं जिनमें आपने फरमाया कि अगर आप मूजी जानवर को मारते हो तो एक एक ही यानी वार के साथ अगर मारोगे तो उसका अजर ज्यादा है, दो वार के साथ मारोगे तो उसका अजर उससे कम होगा और तीन के साथ मारोगे तो इससे कम होगा। मतलब ये था कि मूजी जानवर को भी तकलीफ देकर नहीं मारना। आप अलैहिस्सलाम की एक और हदीस मुबारक है जिसमें है कि लान आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया लान नबी मन मसला बिल हैवान, मसला मुसला करना कहते हैं कि आज़ा को काटना, और ये मुसला हमेशा तब होता है कि जब जान निकल चुकी हो उसके बाद उसके आज़ा को इस अंदाज में काटना, जिस तरह मैंने अभी बात की कि जान पूरे तरीके से जानवर की नहीं निकली और उसके बाद उसको काट लेना। अब इस हदीस पाक को अगर आप एग्जैक्टली फिट करना चाहें तो आज हमारी सोसाइटी के अंदर अभी जो सिंध के अंदर वाकया हुआ जो कराची में, ये इस तरह के ये तो है ना जो आपने उठा लिए, ऐसे इशूज हैं जो हर रोज सड़कों पर दरपेश आ रहे हैं। हत्ता के हमारे जो रेड़ी बान हजरात हैं वो अपने जानवरों के साथ किस तरह जुल्म करते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने आपके सामने किसी शख्स एक गधा आया और उसके चेहरे के ऊपर जख्म लगा हुआ था, यानी दागा हुआ था, वो उस जमाने में ये रिवाज था कि अपने जानवरों को दाग लिया जाता था निशानी के तौर पर। आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, बल्कि हदीस में आता है कि आपने लानत फरमाई कि जिसने किसी जानवर या गधे के चेहरे को दागा है उस पर लानत है। इसी तरह चींटियों का एक बिल, सहाबा फरमाते हैं कि हमने चींटियों का एक बहुत बड़ा बिल था जहां से चींटियां कसरत से निकल रही थी, इस डर के मारे कि ये नुकसान न पहुंचाए हमने चींटियों को जला डाला।
आपने सलातोसलाम को जब पता चला तो आपने फरमाया कि आग में जलाने का हक सिर्फ उस जात को है कि जिसने इस मखलूक को पैदा किया। आप कौन होते हो इनको आग में जलाने वाले? और सख्ती से आपने से मना फरमाया। इसके साथ साथ आप सलातोसलाम ने सवारी के जानवरों से तालीम दी, उनके साथ भी सुलह रहमी का और अच्छा सलूक का ही हुक्म दिया हमारे नबी ने। बिल्कुल बोझ न डाला जाए और इनके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाए। बिल्कुल ऐसे ही बगदादी साहब, आपको माजत के साथ इंटरप्ट करिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है, टाइम वाकई बहुत ज़्यादा कम है। कुछ सेकंड से आप बता रहे थे साइकोलॉजिकल रीज़न, दूसरी क्या है उसकी? दूसरी मैं ये बता रहा था कि साइकोपैथ्स जो हैं ये भी एक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है जिनके अंदर हमदर्दी नहीं होती और इनको इस चीज़ का कोई गिल्ट नहीं होता, इनको कोई नदामत नहीं होती, कोई रिमोर्स नहीं होता इस कैफियत का। और फिर इसी तरीके से जो लोग पेट्स पे बैटिंग करते हैं यानी जुआ खेलते हैं और पैसे जो है वो कमाने के लिए मुर्गों को लड़ाते हैं और वो मुर्गे एक दूसरे को आपस में ज़ख्मी कर रहे होते हैं, उनका खून निकल रहा होता है और वो उस चीज़ को इंजॉय कर रहे होते हैं, उसको इंजॉय कर रहे थे। माजरत के साथ आपको भी इंटरप्ट किया, हमारे पास वक्त कम है। आप दोनों शख्सियत का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इस्लाम हमें इतना केयरफुल रहने का कहता है कि हमें जो है वो जानवरों को जब उनको ज़िबा भी आप कर रहे हैं तो उनको तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए और कोशिश ऐसी हो कि आप जब उनको ज़िबा कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी किया जाए और जब उनकी जान निकल जाए उसके बाद उनकी खाल उतारी जाए। इतना ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए आपको। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में जानवरों के साथ वो कितना ज़्यादा गलत है और हमें किस तरह इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबडी, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं सुबह की सोच में। और अभी एक बार फिर से आपको ले चलते हैं कराची पे, कराची पे नहीं कराची ले चलते हैं, जहाँ पे मौसम में आती तब्दीली तो खैर है ही है, अभी गर्मी की वजह से जहाँ पे हमारे पास खबर आ रही है कि 8 मरीज़ ऐसे हैं हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल जहाँ पे, जो इंतकाल कर चुके हैं गर्मी की वजह से। और बताया ये जा रहा है कि ये जो इंतकाल करने वाले मरीज़ हैं ये मिर्गी, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह के अमराज में मुबतला थे। अब जो महकमा मौसमियात की जानिब से भी कराची में मज़ीद 2 रोज़ तक शदीद गर्मी के हवाले से पेशगोई कर दी गई है। इसरार मुगिरी हमारे रिपोर्टर हैं कराची से, वो इस मामले पे हमें जो इसरार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसरार ये क्या स्टोरी है, ये जो गर्मी की वजह से 8 मरीज़ इंतकाल करने की खबर है? बिल्कुल जी, कराची में जो गर्मी की जो हालिया लहर है उसमें जो ये हीट वेव लहर चल रही है इससे 8 अफराद जो हैं वो इसमें चल बसे हैं। और इसके अलावा भी शहर भर से जो है लाशें बरामद हुई हैं, जो जैसे कि जो रफाई और फलाई इदारे हैं हमारे जैसे चीपा और ईडी, उनकी जानिब से ये जो है लाशें मुख्तलिफ सरस्थानों में अपने में लाई गई हैं। और ये मुबैना तौर पर ये बताया जा सकता है उनकी रेस्क्यू की जानिब से कि जो हावलिया गर्मी की जो लहर में इजाफा है उसमें ये अपराध जो हैं इनकी मौत हुई है। और मिलने वाली लाशों की उम्रें जो हैं 35 से 60 साल के दरमियान है और मुमकिन तौर पर ये ज्यादातर अपराध जो हैं ये जामा क्लास गोली मार। एक मिनट सर, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ये जो आप लाशें मिलने की बात कर रहे हैं और ये जो आप जिक्र कर रहे हैं कि जो लोग फोत हुए ये हॉस्पिटल के अलावा वाले हैं? ये बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा इन 8 मरीजों के अलावा भी मजीद लाशें मिली हैं जो कि बताया ही जा रहा है कि गर्मी की वजह से हुआ है? जी बिल्कुल। ओके। ये मुमकिन तौर पर जो नशे के आदि अपराध हैं जो बाहर रहते हैं, बाहर गुजारा करते हैं, ये रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि ये उन अपराधों की लाशें हो सकती है जिनकी पुलिस की जानिब से भी ताहाल जो है कोशिश की जा रही, जिनकी शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई। ये जो ज्यादातर जिन इलाकों से ये लाशें मिली हैं, जामिया किला, गोली मार, सुपर हाईवे, गुरुस्तान जोर, लांडी से 5 अपराध की लाशें मिली हैं रेस्क्यू काम के मुताबिक। और सरजानी कनीस फातमा सोसाइटी ब्लॉक 8 के करीब से एक शख्स की जो है लाश जो है रेस्क्यू जो इदारा है उसको मिली और जिनकी शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई। इसी तरीके से फेडरल भी एरिया करीमाबाद से भी एक शख्स की लाश मिली, कोरंगी औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी जो है के रोड जो है वहां से भी नामालूम शख्स की जो है वो लाश बरामद हुई। और ये तमाम लाशें वकवा के बाद पुलिस स्टेशन पर जाकर वहां पर उनकी तफ्तीश और पुलिस की एंट्री के बाद उनको जो है वहां सर्द खाने में जमा किया गया है। मतूफियान में नशे के आदि और दीगर शदीद जो गर्मी का इस वक्त माहौल है हब से, उससे जो है
मुमकिन तौर पर लग रहा है इस वक्त फौत हुए हैं, और गुज़िश्ता 42 घंटे के दौरान शहर से मिलने वाली लाशों की तादाद अब तक जो है वो 19 हो गई है। तो ये हालिया जो गर्मी की लहर है ये उसकी वजह से जो है ये अपराध की जो है वो मौत वाकई हुई है मुबीना तौर पर, और ये जो बाहर रहते हैं और बाहर अपना रहकर जो है अपना गुजर सफर करते हैं, कोई नशे का आदि अपराध होता है या फिर फुटपाथ पे जो लोग सो रहे होते हैं, क्योंकि हालिया जो ये हीट वेव है इसकी वजह से जो है वो हद बर्दाश्त से ज्यादा जो गर्मी है। चलिए जी, चलिए इसरार, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। अच्छा नाती में ज्वाइन कर रहे हैं चीफ मेट सरदार सरफराज, उनसे भी जान लेते हैं कि कराची की क्या सूरत हाल अभी है मौसम की, और आइंदा आने वाले दिनों में भी ये हीट वेव ऐसे ही बरकरार रहेगी, क्योंकि इसरार ने जिस तरह हमें रिपोर्ट किया कि सिर्फ हॉस्पिटल के मरीजों की लाशें नहीं बल्कि दीगर इलाकों से भी कराची में मिल रही हैं लाशें, और वो गर्मी की वजह से ही गालिबन बताया जा रहा है कि उनकी अमवात वाकई हो रही है। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कराची की सूरत हाल बताइएगा कि आइंदा आने वाले कितने दिन तक ये हीट वेव इसी तरह जारी रहेगी। देखिए, जो पिछले दो दिन से बहुत शदीद गर्मी पड़ रही थी कराची में, तो आज का दिन भी वैसे ही गर्म है, शदीद गर्म, और हो सकता है कल के मुकाबले में एक आध डिग्री दो डिग्री टेम्परेचर कम हो, लेकिन स्टिल आज भी इम्कान यही है कि 40 या 40 से ऊपर जा सकता है, और फिर कल से उसमें कुछ कदरे बेहतरी आने की उम्मीद है कि 40 से नीचे आ जाएगा टेम्परेचर, लेकिन स्टिल हॉट एंड ह्यूमिड वेदर ही होगा। 37-38 अगले जो जून के बकिया दिन है इसमें ऐसे ही ट्रेंड चलेगा, 37-38 मैक्सिमम टेम्परेचर, और ह्यूमिडिटी जाहिर है यहाँ बहुत हाई होती है, 50 से 60% चल रही होती है दिन भर एवरेज, तो उससे जो परसीव टेम्परेचर होता है या फील लाइक या हीट इंडेक्स वो बहुत बढ़ जाता है, तो जिससे तंग करने वाली गर्मी एक तरह से रहती है, लेकिन जो हीट वेव एक्चुअली चल रही है वो आज कल आप कह सकते हैं कि सबसाइड कर जाएगी, लेकिन स्टिल कल के बाद भी 30 जून तक कह सकते हैं आप, 1 जुलाई तक ये हॉट एंड ह्यूमिड वेदर ही होगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया सरदार साहब हमें अपडेट करने के लिए। 1 जुलाई तक गर्म रहने का ही खदशा जाहिर किया गया मौसम का कराची में भी। अच्छा, अभी आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे मखसूस नशस्तों का केस उसकी समाअत मुकर्रर थी 9:30 बजे। बशारत राजा हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो हमें बताएंगे कि अभी क्या सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट की। बशारत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बशारत बताइएगा, समाअत का आगाज हो गया, क्या चल रहा है अभी? जी, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों के हवाले से आज केस की समाअत हो रही है। 13 रुकनी फुल कोर्ट इस केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के सरबराही में गुज़श्ता रोज इस केस की समाअत हुई थी, तो उस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने अपने दायर मुकम्मल किए थे, और कमल शौकत के वकील सलमान अकबर राजा एडवोकेट ने भी अपने दायर मुकम्मल किए थे। आज जब समाअत शुरू हुई तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी रोस्टर पर आए, और उन्होंने अदालत को बताया कि साहबजादा अहमद रजा ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा था, और ये भी बताया अदालत को कि साहबजादा अहमद रजा ने कागजात नामजदगी में वापसी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जाहिर की थी, मखसूस नशस्तें मिली तो कमल शौकत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार होंगे, ये फैसला सिद्दीकी ने अदालत को बताया। इस मौके पर जस्टिस मनीप अख्तर ने सवाल पूछा फैसला सिद्दीकी से कि क्या जब साहबजादा अहमद रजा कागजात नामजदगी जमा करवा रहे थे तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपने कागजात में लिखा था, तो उस वक्त फैसल सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि जी ऐसा ही था, मगर उनके कागजात छीने गए और उन्हें रोका गया इस बात से कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार नहीं है। इस मौके पर फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने यह भी बताया कि इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती आजाद उम्मीदवार का निशान अलाट किया साहबजादा अहमद रजा को। फैसल सिद्दीकी साहब, अगर आपने कागजात फाइल किए हुए तो सवालात नहीं पूछने पड़ते, ये चीफ जस्टिस साहब ने उनसे मुकालमा किया, उन्होंने ये भी पूछा कि कागजात के बगैर आपको बात नहीं करने देंगे, कागजात नामजदगी का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन से मांगा गया था, ये फैसल सिद्दीकी का कहना था, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत के सामने ये बात रखेंगे। एक बात और कहानी आई सामने आई थी जब इस केस की समाअत हो रही थी, तो ये कहा जा रहा था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों के हवाले से जो आईन है उसमें अकलीती इमरान के हवाले से उनको नहीं लिया जा रहा था, उस आइन में लिखा हुआ, तो आज फैसल सिद्दीकी ने अदालत को ये बताया कि जे यू आई का आइन और जमात इस्लामी का आइन जो है उसमें भी अकलीती जो लोग हैं उसमें उनको शामिल नहीं किया जाता, जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि आप हमें कागजात दिखाएं, तो उनका कहना था कि ये कागजात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जवाब देगा, और अभी इस केस की समाअत जारी है और आज ये केस हतमी मराल में दाखिल होगा, क्योंकि गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि आज हम इस केस को सुनकर
फैसला देंगे। सलमान खुराजा ने ये कहा था कि हमें थोड़ा सा वक्त दें, लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान ने भी कहा था, तो किसी ने कहा कि हम आपको तीसरा दिन नहीं देंगे, आज हम इस केस को सुनकर फैसला देंगे, आप अपने दलाइल मुख्तार रखें और आज इस केस का फैसला आएगा। जी अच्छा, अटॉर्नी जनरल ने भी अपने दलाइल देने थे, उसके हवाले से अगर कोई तफसीलात आपके पास हैं तो प्लीज शेयर करें हमारे साथ। जनरल जब जब समाज शुरू हुई तो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा रुश्वत पर गए, तो उन्होंने कहा कि पहले मैं अपने दलाइल दूंगा। अभी पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको बाद में सुनेंगे, पहले अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अपने दलाइल देंगे। कल उन्होंने अदालत से वक्त मांगा था, आज उन्होंने दलाइल देने थे, लेकिन उससे पहले सुनील दास कौशल के वकील फैसल सिद्दीकी रोशनों पर गए थे, क्योंकि कल अदालत ने उनसे कुछ सवाल के जवाब मांगे थे, जो उन्होंने आज कुछ जवाब दिए और अभी वो रोशनों पर अपने दलाइल दे रहे हैं, और जो अदालत ने उनसे सवाल मांगे थे उनको जवाब दे रहे हैं। इस वजह इसके बाद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अपने दलाइल देंगे, इसके बाद एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा, फिर एडवोकेट जनरल पंजाब सिंध और बलूचिस्तान, इसके बाद जो है वो फैसल सिद्दीकी के शायद जवाब जवाब में कुछ में कहना चाहे तो अदालत उन्हें वक्त देगी, इसके बाद फैसला आज ये कंक्लूड किया जाएगा, फैसला सुनाया जाएगा आज। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका बशारत हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन नारा ताजा हमें रिपोर्ट कर रहे हैं इस केस से मुतालिक, मखसूस नशस्तों का एक केस है जिस पर समात इस वक्त जारी है और फुल कोर्ट समात कर रहा है चीफ जस्टिस की सरबराही में, और हतमी मराहल बशारत राजा ने हमें यह बताया कि हतमी मराहल में केस दाखिल हो चुका है, दलाइल मुकम्मल होने के करीब ही हैं, तो अब देखते हैं कि इस पर क्या फैसला हमारे सामने आता है। इंपॉर्टेंट केस और इसका फैसला भी इसीलिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। एक ब्रेक शामिल करने लगे, जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, इसलिए हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक एवरीबडी, एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं सबकी सोच में। क्लाइमेट चेंज इज़ द टॉपिक जिस पे हम बार बार बात करें, और इस पे बार बार बात करना बनता भी है, और आप सबका इसको बहुत गौर से सुनना भी बनता है, और फिर जो बातें हम डिस्कस करेंगे उस पे अमल करना भी बनता है, क्योंकि ये एक हकीकत है जिसको अभी हम लोग बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, और इसी की वजह से शायद हम लोग इतने सारी मुश्किल का शिकार हो चुके हैं। सो मौसमियाती तब्दीली में इस वक्त मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस जो हमारा माहौल है उस पर गहरे असरात मुरतब हो चुके हैं, बल्कि हो रहे नहीं हैं, हो भी चुके हैं, जो कि मुसलसल उनमें इजाफा हो रहा है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं, और तबाह कुन नतज इसके कॉन्सिक्वेंसेज हमारे सामने हमारी मीशत पर हैं, हमारे माहौलियात पर हैं, हमारे लोगों पर पड़ रहे हैं, हमारी पर्सनली जो हमारी ज़िंदगियाँ हैं, हमारी सेहत पर इसके असरात पड़ रहे हैं। तो बहुत शदीद गर्मी जो अभी हम लोगों को महसूस भी होती है, जो शायद हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते, जो दरमियान के मौसम आया करते थे वो हमें अब कहीं दिखाई नहीं देते, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, और हमें इन सब वाकयात का सामना करना पड़ा है मौसमियाती तब्दीली का। इसके अलावा हमारी ज़रात पर बहुत ज़्यादा गहरा असर है, और पाकिस्तान तो है ही एग्री इकॉनमी, और हमारी इकॉनमी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और ख़ुराक की कमी का हमें ख़तरा लाहक है। पानी की दस्तियाबी की अगर बात की जाए उसमें कमी वाकई हो चुकी है कुछ हद तक, और ख़ुदा ना ख्वास्ता फ्यूचर में वो उसका ज़्यादा खदशा जाहिर किया जा रहा है। जैसे मैंने इंसानी सेहत की बात की, इसके मसाइल सिर्फ जो है वो हमारी इकॉनमी या ज़रात इस सब पे नहीं, बल्कि हमारी सेहत पे भी हो रहे हैं। बीमारियाँ बढ़ती जाती हैं क्योंकि एक्सट्रीम पर एक वेदर चला जाता है ना, आप अगर आपका जिस्म भी कुछ हद तक किसी टेम्परेचर को या फिर किसी मौसम को बर्दाश्त कर सकता है, जब वो उससे ऊपर नीचे होता है तो आपका जिस्म भी ऑब्वियसली जवाब दे जाता है। तो मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर हमारे लोगों की सेहत पर नुमाया असर इस वक्त हम देख सकते हैं। 2022 की अगर हम बात करें, सैलाब आया था और उसके तबाह कुन नतायज हमने देखे, फिर उसके बाद मलेरिया वगैरह का फैलाव तेज़ हो गया, 5 गुना तक बल्कि उसमें इजाफा हुआ था। अब ये शदीद मौसमियाती वाकयात की वजह से हीट वेव्स, अभी लास्ट सेगमेंट में ही बल्कि हमने कराची से बात की, जहां 8 सिर्फ एक हॉस्पिटल में ऐसे अफराद हैं, 8 अफराद जो कि जाम बहक हुए गर्मी की वजह से, और इसके अलावा मुतादिद इलाकों में मुतादिद रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि लाशें मिल रही हैं, और उसकी वजह गर्मी ही है। तो वो हीट वेव्स, ये सैलाब, ये सारी कुदरती आफात भी क्लाइमेट चेंज की वजह से ही आ रही हैं। अब इसमें बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया जी जोहा तनियो ने, जो कि क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, और साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर फजल साहब, ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। बहुत खुश आमदीद कहती हूँ आपको, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मेहरबानी। अच्छा, सबसे पहले आई थिंक आपसे स्टार्ट रहना चाहिए कि हमारे लोगों में जो बीमारियाँ हैं
वो बढ़ती चली जा रही हैं, और इसकी वजह ऑब्वियसली जैसे मैंने खुद बताया क्लाइमेट चेंज है। अब क्या क्या बीमारियाँ हैं जो सिर्फ इसकी वजह से हो रही हैं? अच्छा, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, क्लाइमेट चेंज तो बजात खुद एक बहुत बड़ा फिनमिना है, जिसे आपने बताया कि इसके साथ और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व है। अगर इसमें हम बीमारियों या इलनेसिस की बात की जाए, तो इसके साथ जो अमूमन एक दरमियान का पीरियड होता है ना क्लाइमेट, उसमें मौसम में वो ख़त्म हो गया, तो जो गर्मी या सर्दी दोनों के जो पीरियड्स हैं वो प्रोलॉन्ग हो गए। इसका यह असर होता है कि जो गर्मी में बीमारियाँ होती हैं जैसे हिज़ा, खे, ये डाइसेंट्री, मलेरिया, डेंगू, तो इन अगर ये पहले एक दो महीने के लिए होती रही तो अब ये चार पाँच महीने के लिए होती रही है। सो एक इकॉनमी पर भी एक बर्डन पड़ गया, लोगों की ओवरऑल हेल्थ भी मुतासर हो गई, तो इसमें ये हो गया। दूसरी भी बाज़ चीज़ें अगर इसी एग्जांपल को सामने रखते हुए देख लीजिए, तो सर्दी का मौसम भी बढ़ गया। पहले अमूमन सर्दी जो है ना, तो शिद्दत में भी बहुत फ़र्क पड़ा, शिद्दत भी ज़्यादा होती है अब गर्मी की हो चाहे या सर्दी की हो। यस, एग्जैक्टली, अगर हम 2024 का थोड़ा सा वो कर ले, मुशाहिदा कर ले, तो 24 के तकरीबन अप्रैल के एंड तक सर्दी फील हो रही थी। सो सर्दी का जो दौरानिया है वो भी काफ़ी प्रोलॉन्ग हो गया। तो उसी में सर्दी के साथ जो बीमारियाँ हैं एसोसिएटेड, वो भी काफ़ी जो है ना उसमें इंटेंसिटी में इंक्रीज़ हुई है, उनमें प्रीवेलेंस में बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गई है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जोहा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, वो क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं। जोहा, वेलकम टू द शो। बताइएगा कि क्लाइमेट चेंज क्या है और इसकी वजह से पाकिस्तान को अभी कुछ नुकसान तो मैंने उनका जिक्र किया है, बट ऑब्वियसली यू आर द एक्सपर्ट, बताएं हमारे नाज़रीन को कि क्या मसाइल हैं जो सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें उनका सामना करना पड़ रहा है। Thank you so much for having me on the show, and I'm very glad that we're talking about climate change, because I feel like hum abhi bhi uski jo intensity aur jo seriousness hai usko shayad samajh nahi paaye hain. Unfortunate cheez, I think aapne I don't know if agar aapne zikr kiya hai ya nahi, Pakistan ke liye ye hai ki even though hum un mumalik mein se nahi hain jo itna zyada emit karte hain aur greenhouse gases atmosphere mein bhejte hain, yep. Unfortunately, because of the geographical location that we are in, because of the population that we have, हम सबसे ज्यादा ब्रांच फेस करते हैं क्लाइमेट चेंज का। तो दुनिया में ऐसा कोई भी कॉन्सिक्वेंस है क्लाइमेट चेंज का, वेदर इट्स एक्सट्रीम हीट, वेदर इट्स व्हाट डॉक्टर फजल वाज सेइंग अबाउट द फैक्ट के जब डिफरेंट मौसम होते हैं तो डिफरेंट बीमारियों की तादाद बढ़ जाती है, दैट वी एक्सपीरियंस, फ्लड वी एक्सपीरियंस, ड्राउट वी एक्सपीरियंस, फूड क्राइसिस लाइक यू सेड, वाटर क्राइसिस लाइक यू सेड, हमारी बहुत डाइवर्स टोपोग्राफी भी है पाकिस्तान में, तो ऐसा कोई क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इम्पैक्ट नहीं है जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन फेस नहीं करती है। आर यू नो our fresh water fishes are dying, our communities around the Indus river, there once that used to be thriving, ab unka koi naam nishan nahi hai, which is all obviously of course it's climate change, but it's also the way jo hum Pakistan mein usko you know, the way that we counter it or the way that we adapt to it, which is also because hamare public conscience mein jis tarah politics shamil hai us tarah climate change nahi shamil, to hum uske bare mein kisi baat nahi karte kyunki wo hamari priority nahi hai, hum usko highlight nahi karte, uske bare mein protest nahi karte, तो हमें पता ही नहीं है कि वो किस तरह से हमारी जिंदगियों को इम्पैक्ट कर रहा है। आई वुड वांट टू ऐड वन थिंग टू व्हाट फजल साहब वाज सेइंग कि क्लाइमेट चेंज की बहुत सारी हिडन भी जो होते हैं वो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो हमें फौरन नहीं समझ में आते, लाइक कुछ चीज़ें हमें पता है कि ये बीमारियां हैं जो गर्मी से फैलती हैं, या ऑब्वियसली पोस्ट फ्लड जितनी बीमारियां फैली, वेदर इट्स गट इशूज और स्किन इशूज और डिसेंट्री और डायरिया और ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट अ वेरी वेरी बिग पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो कि ये जो इतनी गर्मी हो रही है, आई डोंट नो अगर लोगों को एहसास I'm sure हो रहा है इस बात का, मगर वो रिलेट कर पा रहे हैं, यानी कि अगर आप काम नहीं कर पा रहे, अगर आप बहुत इरिटेबल हैं, अगर आप स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं, तो वी डोंट हैव लॉन्गर टर्म स्टडीज जो कि हमें बता भी सकें कि कितना ज्यादा ये एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आपकी इकोनॉमी उस तरह भी इफेक्ट होती है कि आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, सो वट एवर वर्क जो हम 8 घंटे में यूजली दफ्तरों में बैठ के काम करते हैं, हमारी बॉडी केपेबल नहीं है, हमारे ब्रेन केपेबल नहीं है इतनी गर्मी में उस तरह फंक्शन करने के लिए। ये जो हिडन हीट स्ट्रेसेस और हिडन प्रोडक्टिविटी के लॉसेज हैं, ये तो हम अकाउंट ही नहीं कर रहे, अभी तो हम सिर्फ डायरेक्ट इम्पैक्ट की ही बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, बिकॉज इस तरह की कोई स्टडी या कॉन्वर्जेशन नहीं होती। बसीमें कि हमने बहुत फ्लड के बाद ये बात सुन ली कि ओ पाकिस्तान इम्पैक्ट हो रहा है, पाकिस्तान इम्पैक्ट हो रहा है, बट आई थिंक दैट नाउ वी नीड टू मूव बियॉन्ड दैट कॉन्वर्जेशन कि अच्छा अब करना क्या है एग्जैक्टली इसके बारे में। बिल्कुल ऐसे ही है, और उसमें सबसे पहले आई थिंक हमारे क्लाइमेट को ही बचाने की जरूरत है, क्योंकि
जहाँ तक मुझे पर्सनली लग रहा है, हम लोगों ने एक एक चीज़ पे फोकस कर लिया है कि बस बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर लेनी, हमने चाहे उसके लिए कितने सारे जंगलात हम लोग काट लें, वहाँ पे मस्कन बर्बाद कर देते हैं हम लोग और कुदरत को बर्बाद करें, फिर ऑब्वियसली कुदरत भी रिएक्ट करती है। अब डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी, ये कि हीट वेव्स या फिर जो जोहा ने जिक्र किया है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि हमें पता ही नहीं है या उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे, अब ये हीट वेव्स के लिए आवाम को क्या करना चाहिए या किस तरीके से उसके साथ डील किया जा सकता है? अच्छा, हीट वेव्स ये बहुत इमर्जिंग एक चीज़ है, बल्कि इस गर्मी में तो हमने हज के दौरान देखा तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग की मौत हुई, उनमें अक्सरियत हीट वेव्स की वजह से थी और ज़्यादातर जो लोग थे उसमें ओल्ड एज थे। तो अब एक बॉडी किसी हद तक एक टेम्परेचर को रिजिस्ट कर सकती है, उसके अपने आप को अडप्ट कर सकती है। अगर टेम्परेचर 50-51 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल जाए और आप हिफाजती तदाबीर न लें तो बॉडी इसमें वो नहीं कर सकती, मुदाफ़त नहीं कर सकती, कोलैप्स कर जाती हैं। सो हीट वेव्स इस तरह ना कि हीट वेव्स का मुकाबला करने के लिए कुछ एहतियात ज़रूरी है। सबसे पहले तो क्या आप बिला ज़रूरत घर से बिल्कुल ना निकलें, अगर बिलफर्ज निकलना ज़रूरी भी है तो आप कोई अपने शेड, कोई कपड़ा, कोई छतरी वगैरह इस तरह अपने ऊपर कर लिया ताकि जो हीट की जो आप इंटेंसिटी है ना एटलीस्ट इसको आपको कम कर सकें। इसके बाद आपकी जो हाइड्रेशन लेवल है, जो पानी आपके बदन में है ना, उसको आप ज़रूर पूरा रख लें। हम गर्मी में हमारे बदन से पानी पसीने की सूरत में दूसरी सूरत में खारिज होता है, हम उस मिकदार से पानी नहीं पीते, तो कोई भी अगर छोटी सी भी इस तरह की कोई गफलत हो जाए ना तो बॉडी बहुत जल्दी कोलेप्स हो जाती है। सो आप जो है ना पानी वाफिर मिकदार में पिए ताकि आपकी जो है ना डिहाइड्रेशन ना हो। तीसरी बात, जो हीट वेव्स है ना ये उम्र के आखिरी हिस्से और बिल्कुल छोटे बच्चों, इन दोनों में बहुत ज़्यादा असर करती है। सो जो दो एक्सट्रीम्स ऑफ एज है इनमें कोशिश कर ले कि जो वो है इनको बाहर ना निकालें। बिल्कुल अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें एक मसला है कि बाहर मजदूर वगैरह भी होते हैं ना, वो काम कर रहे होते हैं, उन्होंने तो करना ही होता है चाहे जितनी ज़्यादा गर्मी हो। अब वो बॉडी साथ साथ डिहाइड्रेट हो रही है, अब बेशक वो सर पे कुछ गीला करके रख रहे हैं जैसे कि जो कि रेकमेंड किया जाता है कि कोई गीला कपड़ा अपने सर पे रखे, शेड तो वो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। अब वो धूप में काम कर रहे हैं, कपड़ा अगर रखते हैं तो वो विद इन सेकेंड्स ड्राई हो जाता है इतनी शदीद गर्मी में। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इस तरह के लोगों के लिए क्या हो सकता है? इसके लिए भी हल है। एक तो है ना कि ज़रूरी नहीं है कि हम जो है ना काम सुबह 10 बजे स्टार्ट लेकर शाम 5 बजे तक कर लें, ये जो रूटीन है ना इट्स अननेचुरल टू दिस हीट वेव। इसका हल ये है कि आप सुबह जल्दी सवेरे काम स्टार्ट कर दें, फिर दरमियान में वक्फा कर दें और जब ये हीट की इंटेंसिटी, सन की इंटेंसिटी थोड़ी सी शिद्दत कम हो जाए, ये कितनी ज़्यादा किस वक्त ज़्यादा होती है? 12 से 4 के दौरान। 12 से 4 के दौरान कोशिश कर ले कि बाहर बिल्कुल ना निकले। इसके दौरान कोई भी ऐसा काम जो बाहर वाला काम हो, ये जिसमें आपको मुसलसल बगैर किसी साये के, बगैर किसी सपोर्ट में आपको धूप में रहना पड़ता है, इसको ना कर ले। जो काम है ना, जितने भी आपके डेली की रूटीन है वो सुबह 7 बजे से लेकर 11 तक कर ले, फिर शाम 4 से लेकर 7 तक डिवाइड कर ले। बिल्कुल ऐसे ही मिल मिला के ये करना है। अब जैसे अक्सर लोग ना मजदूरों का शायद ख्याल ही ना रखें, उनको कहें 12 से 4 का तुमने ब्रेक क्यों लिया, तो हम लोगों को भी यहाँ पे ख्याल रखना चाहिए इन सब चीज़ों का। अच्छा जोहा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं क्लाइमेट चेंज के, बहुत सारे रीजनस हैं और पाकिस्तान में भी, उसमें सबसे बड़ा जो मैंने अभी पहले बात छोड़ के भी गई थी, डिफॉरेस्टेशन, और हम लोग बिल्कुल बेदरेग होकर जंगलात को काट रहे हैं, हम लोग ख्याल ही नहीं करते कि इसके कितने सारे नुकसान हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? Before I say something about that, I would actually like to add to what Dr. Saab was saying that हम ये बात तो कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए as individuals, but I think एक बहुत collective recognition की ज़रूरत है and the media plays a very big role in this. बेशक. Is that climate change actually on all levels एक state level problem है. अब एक individual ठेकेदार जो है वो अपने मजदूर को 12 से 4 की छुट्टी नहीं देगा. Yep. We are a profit making, you know, country. And anyway, we are a country that's suffering inflation. It's not possible. ये state mandated rules होते हैं जहाँ आप कहते हैं कि क्योंकि इतनी extreme levels of heat है, ये आपके working hours नहीं हो सकते. Mm. You know, so those are some things that हम of course individual level पे आप अपना ख्याल भी करें और आप आपके घर में जो काम कर रहे हैं उनको भी respite दें, make sure that they're hydrated. But this is not an individual problem. It is very much a state problem. So I think we need to constantly highlight बार बार कि हम as individuals तो जो करेंगे वो करेंगे. स्टेट क्या कर रही है? क्या आप शेल्टर्स क्रिएट कर रहे हैं अपने शहर में, कराची में? अगेन कमिंग टू व्हाट यू वर सेइंग अबाउट डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल आई बिलीव परसेंटेज जो होती है किसी भी शहर के ट्री कवरेज की वो अबाउट 25% होनी चाहिए. आई एम अज्यूमिंग इन क्लाइमेट चेंज इट शुड बी इवन मोर. कराची में शायद 3% ट्री कवर भी नहीं है. हम अर्बन हीट आइलैंड क्रिएट कर रहे हैं. अब ये कौन कर रहा है? ये स्टेट अलाउ करती है कि कंस्ट्रक्शन हो और दरख्त काटे जाएं और डिफॉरेस्टेशन हो और मैंग्रोव काटे जाएं, तभी ये हो रहा है, राइट? तो हमें बहुत ज्यादा ये जरूरी है कि पहले तो हम ये रेकग्नाइज करें कि ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप नहीं छोड़ सकते कि लोग रेकग्नाइज करें.
स्टेट को आगे आना पड़ेगा, आपको लॉज क्रिएट करने पड़ेंगे. यू हैव टू स्टॉप बिल्डिंग इन टू द सी. कराची में इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्कुल समंदर को बार 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 पुश करके की जाती है. इवेंचुअली लाइक यू सेड समंदर रिएक्ट करेगा, हमारी जितनी भी एनवायरमेंट है वो रिएक्ट करेगी. हम डेवलपमेंट के नाम पे इफ वी स्टार्ट यू नो कटिंग डाउन ट्रीज दैट इज वेरी मच ऑन द सोहा. मोस्ट ऑफ द टाइम्स, सॉरी टू इंटरप्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई से कि डू नॉट मेस विद नेचर. एब्सोल्युटली द नेचर विल रिटेलिएट, लाइक दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू बी. वी आर सपोज टू वर्क इन टैंडम विद नेचर. डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी स्पीशीज को बायोडायवर्सिटी को फॉरेस्टेशन को खत्म कर दें तो वो अपना बदला लेगी आपसे. इट्स गोइंग टू कम बैक, इट्स गोइंग टू फाइंड अ वे. True. और ये सारे मसाइल हमारी स्टेट, तो आई डोंट थिंक सो कि स्टेट इस पे कुछ करने जा रही है. व्हाट डू यू थिंक कि फौरी तौर पे पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए, और उसके लिए मीडिया को भी बताएं कि यार हम लोगों को मिलके कैसे गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ पहुंचानी है कि ये चीज़ें हैं, डिफाइंड है, आप लोग ये करें फौरी तौर पर. एब्सोल्युटली, आई थिंक सबसे पहले तो व्हाइल आई फुली एग्री कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कम्प्लीटली सफर कर रहा है, इस बात को रिकग्नाइज करना, एक्नॉलेज करना जरूरी है. Yes. ये बात भी रिकग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि वी नीड मनी एंड वी नीड अ लॉट ऑफ मनी जो कि हमारे पास नहीं है. और ये पैसा ग्लोबल नॉर्थ से आएगा, उन ममालिक से आएगा जिन्होंने हमारे एटमोसफेयर में ग्रीन हाउस गैसेज डाली हैं. यू नो दैट्स योर यूनाइटेड स्टेट्स, दैट्स योर यूरोपियन यूनियन, यू नो दोज आर द बिग कंट्रीज जितने हिस्टोरिकली इमिशंस क्रिएट की हैं. अब वो उस पूल में पैसे ही डालने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान जैसे कंट्रीज या स्मॉल आइलैंड कंट्रीज डेवलप कर सकें, अडेप्ट कर सकें. बट ऑल्सो हमारी लोकल पॉलिसीज नीड टू चेंज. आप यू नो रावी के अलॉन्ग साइड और इंडस के अलॉन्ग साइड कंस्ट्रक्शन करना तो बंद करें, कराची में समंदर के अलॉन्ग साइड कंस्ट्रक्शन करना तो बंद करें, लाइक यू नो दरख्त काटना बंद करें, नेटिव दरख्त लगाएं. दीज आर एब्सोल्यूट मोस्ट बेसिक थिंग्स दैट नीड टू हैपन, राइट? That is what needs to happen. अपनी policies change करें. If you're seeing कि heat waves हो रही है, आप shelters create कर रहे हैं नहीं, studies को जो है वो commission किया जाए कि हम study करें कि South Asia में किस तरह से heat stress impact कर रहा है. Those are very basic things. हमारे पास stats और facts ही नहीं होते बताने के लिए. अक्सर तो हम you know दूसरे countries के और दूसरे मुल्कों के data sets use कर रहे होते हैं. So these are very basic things that we can also invest in. At the same time demanding कि जो developed nations हैं वो पैसे डालें लॉस एंड डैमेज के पूल में, अडेप्टेशन फंड के पूल में, कि हम इस तरह क्लाइमेट रेजिलिएंट बिल्डिंग को है जो है वो बढ़ा सकें. बिल्कुल जोहा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त कम है, कुछ ही सेकंड में बताइएगा कि जो कुछ वायरल बीमारियों का भी आपने जिक्र किया है उनसे बचने के लिए क्या इकदाम लिए जा सकते हैं. अच्छा, जो इस मौसम के लिहाज से वायरल बीमारी है उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, मोस्टली वायरल होती है और बैक्टीरियल भी होती है. बच्चों में ज़्यादातर वायरल होती है, रोटा वायरस से होती है. तो इसके लिए कि पानी को जो है ना उबाल कर पीना चाहिए, साफ़ जो है ना पानी बिल्कुल साफ सोर्स से पीना चाहिए. जो खुराक है हम तो इतना ठंडा पानी पी रहे होते हैं, ठंडे के एक अलग बॉयल करने के बाद हाँ कर सकते हैं. ठीक हाँ, है बॉयल करने के बाद ठीक. सफाई का ख्याल रखना चाहिए, खुराक बिल्कुल होनी चाहिए, नहीं हो कि आप हफ्तों के लिए फ्रीज कर लें, वापस रीहीट कर लें, इस तरह की वो करनी चाहिए. जो कंटेमिनेशन, जिस बच्चे को कोई बीमारी हुई तो उसकी सफाई का ख्याल रखें ताकि उसके दूसरों से उनको न लगे. ये वाले हो गए, ठीक है. और बाकी जो जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स है कि आप मॉस्किटो नेट इस्तेमाल कर ले, कमरे में सोए, बाहर उसमें न सोए. अगर आप किसी ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहाँ पर ये बीमारी है तो आप उसके लिए कुछ इकदाम लिए जा सकते हैं. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए. नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, और ये वो टॉपिक है जो मेरे और मेरी टीम के दिल के भी बहुत करीब है. इस टॉपिक पे हम बार बार बात करते रहेंगे जब तक हमारी हुकूमत, जैसे जोहा ने कुछ रास्ते बताए, जब तक हमारी गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर आके कुछ ऐसा नहीं कर लेती तब तक हम ये प्रोग्राम में बार बार डिस्कस करते रहेंगे. एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से डू नॉट मेस विद नेचर. एक ब्रेक शामिल करते हैं. वेलकम बैक एवरीबडी. पिछले सेगमेंट में मैंने आपसे कहा था कि वो सेगमेंट मेरे दिल के बहुत करीब है, और ये वाला सेगमेंट भी मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि एक खातून को पैमा समर खान, जो कि पाकिस्तान की पहली खातून है, उन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया है, और वहाँ से स्नो बोर्डिंग करते हुए नीचे आई वो. और ये इंटरनेशनली एक आलमी सतह पर एक मुनफरद कारनामा है जो किसी भी पाकिस्तानी ने इससे पहले सर अंजाम नहीं दिया था.
और समर खान ने जो उनकी जो कैंपेन थी, ये जो मुहिम है, उसका आगाज़ उन्होंने सुबह 3 बजे किया और सुबह 10 बजे चोटी पर वो पहुँच गईं। बाकी उन्होंने क्या क्या किया वो खुद ही बताएंगी। समर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आई एम गुड, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग ऑसम। अच्छा, ये जर्नी, मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी लेकिन मैंने खुद ही जानबूझ के नहीं बताई मज़ीद, ताकि आप बता सकें हमारे नाज़रीन को। सो हाउ वाज योर जर्नी? It was really a dream come true because I've been trying for last 3-4 years. मैं एक्शन स्पोर्ट्स में पिछले 7 साल से काम कर रही हूँ और इससे पहले मैंने कॉन्टिनेंट अफ्रीका की हाईएस्ट पीक किलिमंजारो समिट किया था, उस पर साइकिलिंग अटैम्प्ट की थी। माई नेक्स्ट टारगेट वॉज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप जो माउंट एल्ब्रस है। yep. लेकिन क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशंस, वीज़ा के मसले आगे पीछे उससे, और बीच में कोविड आ गया, सो बहुत टाइम लगा इसको करने में। तो अभी जब आप ये कर चुकी थी, पहले तो ये बताएं कि कितना मुश्किल था, चैलेंजिंग कितना था, या आप यू आर कॉन्फिडेंट अनफ? क्योंकि मैं थ्रू आउट काफ़ी सालों से वी ट्रेन थ्रू आउट द ईयर, हर रोज़ हम ट्रेनिंग करते हैं, तो मुझे लगा कि इसको क्लाइम करने से ज़्यादा वहाँ पहुँचना और उस पूरे चीज़ को एग्जीक्यूट करना इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस, इन टर्म्स ऑफ टिकट, इन टर्म्स ऑफ वीज़ा, इन टर्म्स ऑफ पैकिंग एंड ट्रैवलिंग, स्विचिंग फ्लाइट्स, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। लैंग्वेज बैरियर्स थे वहाँ पे। क्लाइंबिंग तो बहुत सिंपल होती है, आप बैग उठाते हैं कोई 15-20 kg, जो भी आप ट्रेनिंग आपने की होती है, आप जाते हैं, आप क्लाइंब करते हैं और नीचे आते हैं। लेकिन बहुत खूबसूरत रेंज थी, कोकोजिन रेंज, इट वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल माउंटेन, इट्स अ डोरमेंट वॉल्केनो। दो इसके समिट्स थे, एक ईस्टर्न समिट, एक वेस्टर्न। वेस्टर्न इज़ द हाइएस्ट वन, 5642 meters। तो मेरा टारगेट था कि मैं उसको समिट करूं और मैं स्नोबोर्डिंग करके नीचे आऊं। अच्छा, सही, एंड यू डिड दैट। वैसे माशाल्लाह, दैट्स वेरी ग्रेट। ट्रेनिंग का आपने जिक्र किया, ट्रेनिंग के क्या होता है, कितनी देर के लिए करती हैं, कब कब करती हैं? सो मैं हर एक दिन छोड़ के हाइकिंग करती हूं अपने 15-20 kg बैकपैक के साथ, फिर बीच में मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, और हर दूसरे महीने मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हुंजा या कराकरम रेंज पे 4,500 meters से ऊपर जाऊं, कैंप करूं, ताकि मैं ऑलरेडी एक्लाइमेटाइज रहूं ऐसे एक्सपेडिशंस के लिए। सही। अच्छा, पाकिस्तान की कौन सी चोटियां सर कर ली अभी तक? पाकिस्तान में मैंने 2 वर्जिन पीक्स की, एक हुंजा में, एक स्कर्दू में, शिमशाल में एक पीक की रिसेंटली मैंने, उसका नाम शेर पीक है, उसमें से भी हमने 2 पीक्स पर स्नोबोर्डिंग अटैम्प्ट की है। अच्छा, और इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा? पाकिस्तान के अलावा अफ्रीका में मैंने एक्सपेडिशन किया, मैंने पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट्स में 2 दफ़ा रिप्रेजेंट किया, ट्रेनिंग पे भी मैं गई हूँ, वर्मोंट पे मेरी ट्रेनिंग रही है 1 महीने की, एंड देन आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान ट्वाइस इन रशिया। अच्छा, इसे एकदम से मेरे जहन में ख्याल आया कि ये भी पूछ लूँ कि व्हाट इज़ योर मोटिवेशन? माय मोटिवेशन इज एक तो ये कि वी आर ब्लेस्ड विद द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड, नो डाउट, सो वी आर होम टू द ग्रेटेस्ट पीक्स, और उस पर कुछ हो नहीं रहा है, सो वी बींग, अगर हम में इतना पोटेंशियल है एज अ यूथ ऑफ पाकिस्तान, एज वुमेन ऑफ पाकिस्तान, और हम अपनी पर्टिकुलर फील्ड में क्यों ना एक्सेल करें और क्यों ना उस चीज़ को हाईलाइट करें। माय टारगेट इज़ टू ब्रिंग ग्रीन फ्लैग इन द वर्ल्ड ऑफ एक्शन स्पोर्ट्स, जहाँ पे हम सिर्फ यूरोपियंस और वेस्टर्न लोगों को देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, और इसमें ख्वातीन का रोल तो अब मर्द फिर भी कहीं आपको नजर आ जाते हो, शायद ख्वातीन आपको बहुत ही कम नजर आती होंगी, तो उसके लिए व्हाट डू यू थिंक कि हमारी गवर्नमेंट को या पाकिस्तान को कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिसके ज़रिए ख्वातीन आपकी तरह वो आगे आएँ? पहले तो आई वुड हाईली रिक्वेस्ट देम टू एक्नॉलेज द फील्ड ऑफ एक्शन स्पोर्ट्स, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग मुझे सिर्फ एज अ ट्रैवलर या रिक्रिएशनल पर्सन देखते हैं, हालांकि इट्स अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स विच हैज़ प्रोफेशनल रेसिंग इवेंट्स एंड प्रॉपर फ्यूचर। तो अगर आप एसोसिएशन फेडरेशन की तरफ नहीं आते या आप इसको नहीं समझ पा रहे, तो एटलीस्ट जो इंडिविजुअल जिसमें काम कर रहे हैं, यू नीड टू अपलिफ्ट देम ताकि वो बेहतर तरीके से आगे डिलीवर करें। आई हैव माई ओन ऑर्गेनाइजेशन समर कैंप, अब मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी पे जो स्पोर्ट्स मुझे आते हैं, माउंटेन बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, आई टीच देम टू गर्ल्स ऑफ माउंटेन कम्युनिटी, लेकिन वो मेरे एक से के काम करने से नहीं होगा, वी नीड अ लॉट ऑफ पीपल, वी नीड गवर्नमेंट सपोर्ट इन दैट। तो जो आप सिखाती हैं उसमें किस तरह की या किस एज ग्रुप से लड़कियाँ आती हैं, वो उनका क्या फैशन होता है? मेरे पास जो मेरी सबसे छोटी स्टूडेंट थी वो 4-5 साल की भी थी, और जो सबसे जो बड़ी मैच्योर थी वो 40s और 50s में भी हैं, जो प्रोफेशनल ख़वातीन हैं। सो मैंने उसके लिए कुछ एज लिमिट रखी नहीं है, क्योंकि जब मैं स्टार्ट करी थी तो मुझे बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया था कि यू आर एक्सपायर्ड फॉर स्पोर्ट्स और आप शादी करें और बच्चे पैदा करें। अच्छा, ये समर कैंप आपका है कहाँ पे, आप किस टाइम ट्रेन करती हैं, ताकि हमारे नाज़रीन में से कोई अगर ट्रेन करना चाह रहा है, कोई आना चाह रहा है, तो वो आपको ज्वाइन कर सकें? सो दे हैव टू फॉलो द रेलेवेंट पेजेस, समर खान या समर कैंप का कोई भी पेज फॉलो कर लें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, वहीं पे अपडेट्स आती हैं, इट्स ऑल ऑनलाइन।
हमारे सारे कैंप नॉर्थ में एग्जीक्यूट होते हैं, गिलगित, हुंजा, मालम जबा, चित्राल। अच्छा, वेरी नाइस। और जो आपने बताया ना कि 4-5 साल से लेके 50 साल तक की उम्र में ख्वातीन या लड़कियां या बच्चियां आपको ज्वाइन कर रही हैं, सो क्लियरली स्टेट्स दैट के पाकिस्तान में लोग पैशनेट हैं टू डू समथिंग। वो शायद हम लोगों की स्टेट हम लोगों को इतना इंकरेज नहीं करती है, या जिस तरह आपने बताया ना कि स्पोर्ट्स को हम लोगों को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है सबसे पहले। एनी हाउ, आपकी इस कैंपेन के लिए, इस मुहिम के लिए क्या तैयारियाँ थी? मैंने थ्रू आउट ट्रेनिंग की, अपनी फिज़िकल ट्रेनिंग, उसके गियर और इक्विपमेंट पे काम किया, क्योंकि वहाँ पे जो स्नो स्टॉर्म्स आते हैं, वेदर पैटर्न्स चेंज होते हैं, यू नीड अ वेरी हाई क्वालिटी जैकेट एंड इक्विपमेंट वहाँ के लिए। दूसरा, मुझे स्पॉन्सर्स और वीज़ा पे काम करना पड़ा, अपने इंश्योरेंस, पुलिस सर्टिफिकेट, अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बिसाइड्स द फिज़िकल पार्ट ऑफ इट। और दूसरा, फिर आप सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उतने हार्श इन्वायरमेंट में, बारिशों में, तूफान में, उस चीज़ को कवर और कैप्चर करना थ्रू अ एक्शन कैमरा या कुछ भी, ताकि वो आप लोगों को दिखा सकें और एजुकेट कर सकें कि दिस इज़ हाउ इट्स डन। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अपने कंधों पे 15-20 केजीज होना, फिर खुद एक जगह जाना जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता? आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड सो आई हैड मेडिसिन एंड इन द बैकअप मेरे पास थी, लेकिन मैं खुद को टेस्ट करना चाह रही थी कि मुझे कहाँ पे हाइट सिकनेस फील होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबमिट करके आ गई, आई वाज रियली ओके। सो इट मींस कि आई वाज इन अ वेरी गुड फिजिकल फॉर्म। अच्छा, बाकी लोग भी जो भी करते हैं कोपैमा जो होते हैं, कुछ नर्वसनेस तो होती होगी शुरू करने से पहले, या वो भी नहीं होती, या यू गाइस ट्रेन सो वेल कि आप लोग इतने ट्रेंड होते हैं कि यू डू नॉट केयर अबाउट दैट? सो जब आप ये स्टार्ट करते हैं, शुरू के 1-2 एक्सपीडिशंस में, जब आपको रात को 1-2 बजे उठाया जाता है अंधेरे में और सर्दी में, आप कैंपों से निकलते हैं, तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा एंक्शियस आप हो रहे होते हैं कि कैसे होगा, कहीं वो ठंडी हवाएं आपको धक्के दे रही होती हैं रात को 2-3 बजे, सो बहुत अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन एक दफ़ा जब आधा 1 घंटा हो जाए आपको चलते, आप थोड़े पेस में आ जाएँ, then you start getting confidence कि नहीं, I'm doing good और इंशाल्लाह बेहतर होगा। और हम throughout में तो throughout आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए जा रही होती हूँ। जैसे हम लोग मीडिया वाले जैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल कैमरा पे आने से ना पहले शुरू के दिनों में हम लोगों की भी यही हालत होती है, और आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के हम लोग भी आ रहे होते हैं। नर्वसनेस तो ऑब्वियसली किसी भी शोबे में ज़रूर होती है। आपकी कामयाबी के पीछे ऑब्वियसली आपकी मेहनत तो बहुत ज़्यादा शामिल है, उसके अलावा किसकी मेहनत देखती हैं आप? मेरे पीछे बहुत सारी दुआएं हैं, मेरी माँ की दुआएं हैं, मेरी उन दोस्तों की, या एक छोटी सी मेरी कम्युनिटी है जिन्होंने मुझे बिल्कुल स्टार्ट से देखा, खाली हाथ, खाली जेब, बगैर किसी नॉलेज के स्टार्ट करते हुए। और वो जब 6-7 साल 8 साल पुराने दोस्त, मेरे मेंटोर्स, वो जब मुझे मैसेज करते तो मुझे बड़ी खुशी होती है। सो इट्स आई हैव अ ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तानी कम्युनिटी जिनको ये स्पोर्ट समझ में आता है। कुछ ऐसे लोग हैं अभी, बट वी स्टिल डू अ लॉट ऑफ वर्क इसको आगे पहुंचाने के लिए और बहुत सारे और लोगों को इसमें लाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव? हमारे पास कुछ ही सेकंड्स रह चुके हैं, खासतौर पे ख्वातीन के लिए। मेरे लिए यही मैसेज होगा उनके लिए कि आप प्लीज़ अपने पोटेंशियल को टाइमली रिकग्नाइज करें, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और हम सिर्फ दूसरों के प्रेशर में या बातों में आके हम खुद को पहचान ही नहीं पाते हैं कि हम किस काबिल हैं, और उस पे काम करें अपने लिए और पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। नाज़रीन, खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये मैसेज था बेसिकली। सो बिल्कुल भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करें, और डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, लेकिन मेक श्योर कर लें कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है, और फिर पाकिस्तान के हक में, आपके हक में, सबके लिए बेहतर भी हो। अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, सो हमारी सॉरी टू डू दैट, एक्चुअली हम लोगों को क्लोजिंग का वक्त हो चुका है, प्रोग्राम ख़त्म, और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।